रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। नमस्कार। इस तकनीकी माध्यम से जुड़े सभी विद्वज्जन एवं सुधीजनों का आज इस स्पेशल लेक्चर सीरीज के तृतीय व अंतिम दिवस में आप सभी का सादर स्वागत है एवं अभिनंदन है। हम सभी संकाय परिवार अत्यंत ही गौरवान्वित हैं कि पिछले 2 दिनों से हम सभी कई विद्वज्जनों को सुने, उनके अनुभवों से हम सभी परिचित हुए और इसी क्रम में आज के इस तृतीय दिवस में हमारे समक्ष उपस्थित हैं विश्वविख्यात सितार एवं तबला वादक पंडित नयन घोष जी। आपका सादर स्वागत है। आज के इस तृतीय दिवस में 2 सत्र आयोजित है, जिसमें सबसे पहले हम सभी के समक्ष पंडित नयन घोषी उपस्थित हैं। द्वितीय सत्र में हमारे साथ उपस्थित होंगे पंडित मणिलाल नाग जी एवं उनकी सुयोग्य पुत्री विदुषी मीता नाग जी। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वाद्य की विभाग के विभागाध्यक्ष एवं इस स्पेशल लेक्चर सीरीज की संयोजिका प्रोफेसर संगीता सिंह जी को कि आप कृपया आए और आज के हमारे विद्वजन एवं उपस्थित सभी प्रतिभागियों का सम्मान कर उनका स्वागत कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें प्रोफेसर संगीता सिंह मैम। नमस्कार सभी गुरुजन को मैं श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी और महा महा महामना मदन मोहन मालवीय जी की यह बगिया और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की इस प्रांगण एवं पंडित लाल मणि मिश्र जी की वाद विभाग की या कक्ष में जिसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ, वहां से सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। क्योंकि जो कुछ है सब इन लोगों का किया हुआ जो कर्म है उसका फल है हम लोग जो हैं, तो मैं इन सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज सभी विद्वत जन जुड़े हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हमारे शोधार्थी विद्यार्थी प्रतिभागी श्रोतागण, हमारे संकाय के सभी शिक्षक बंधु का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का यह तृतीय दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आज के आमंत्रित विद्वान सुविख्यात सितार एवं तबला के विद्वान पंडित नैन घोष जी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह समय जो चल रहा है मैं इसको पावन दिवस बोलूंगी, क्योंकि इस समय हम लोग अपने जो हमारे पूर्वज हैं हमारे गुरुजन हैं उनकी हम लोग याद में एक तरह से ये वंदना कर रहे हैं। और ये जो समय चल रहा है और जितनी भी हम लोगों ने अपने विद्वत जनों से गुरु की चर्चा किया है, ये बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में एक एक तरह का जो मेरा विचार है कि ये नेट इंटरनेट का तार नहीं जुड़ा हुआ है, ये हृदय का तार जुड़ा है। और सारी बातों को बाबा विश्वनाथ इस काशी विश्वनाथ में गुरु महिमा का जो बखान हो रहा है और हमारे पूर्वज ऊपर से जी,
सुन के आनंदित हो रहे हैं और हम सबको आशीर्वादित कर रहे हैं। ये मेरा अपना भाव है जो इस समय ये पितर पक्ष चल रहा है, ये बहुत ही हमारे गुरु, हमारे जो पूर्वज, हमारे गुरु लोगों का ये दिन चल रहा है जिसमें हम उनकी वंदना करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। तो ये मेरा भाव है कि ये जो हम लोग जुड़े हैं, हृदय के एकदम तार लगे हुए हैं, जो हमारे विद्वान है, जब अपने गुरु की हृदय से इतना हृदय से अपनी गुरुओं के बारे में बताते हैं तो अंदर को छूता है, एक एक रोम जो है खड़े हो जाते हैं कि कैसे महान विभूतियां थी और कैसे कैसे उन लोगों ने अपनी ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से एकदम अपने अपने शिष्यों को पूरा ईमानदारी से अपनी सारी विद्या दे दी है। आज जो संचार में विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं ऐसे महान गुरुजनों को इस अवसर पर प्रणाम करती हूँ। ये पावन दिवस चल रहा है, ये मेरा अपना भाव है, सभी लोग इससे जरूर इस बात को मानेंगे कि ये बात सत्य है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आज मुझे बहुत ही ये सुनने और सीखने का अवसर है। तो मैं साथ ही अपने संकाय प्रभु को बहुत आभारी हूँ क्योंकि लगभग 50 व्याख्यान माला हुए हैं और सभी लोगों ने देखा है हमारे संकाय प्रमुख निरंतर सुबह से शाम तक लगे रहे। मैंने इतना जो है कभी और संकाय प्रमुख को जो इतनी जो तन्मयता होती है वो इन्हीं में देख पाती हूँ कि वो पूरा काम छोड़ के भी सुबह से शाम लगे हुए हैं और जो इतना काम जो हो पाया, इतना विराट बृहद जो काम हुआ है, हमारे संकाय प्रमुख का बहुत योगदान है और हमारे जितने भी संकाय के जितने सदस्य हैं सभी का योगदान है। तो मैं सबका बहुत आभारी हूँ और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः मंच को अंजलि को समर्पित करती हूँ कि वो संचालित करें और हम उस गुरु जनों की मुख से उनकी गुरु महिमा से उनकी आनंदित हो और ऊपर विराजमान सारे गुरुजन हम लोगों को आशीर्वादित करें, यही कामना है मेरी। मैं मंच सौंपती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इसके पश्चात इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ संगीत एवं मंच कला संकाय के संकाय प्रमुख एवं इस विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह सर जी को कि आप हमारे समक्ष उपस्थित हों एवं आज के हमारे अतिथि विद्वत वक्ता जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद अंजलि जी, सभी को सादर प्रणाम और संगीत एवं मंच कला संकाय वाद्य विभाग की तरफ से आप सभी का इस व्याख्यान माला में स्वागत है। आज बहुत ही गौरव का दिन है क्योंकि हमारे कोलकाता से पंडित मणिलाल नाग जी और कोलकाता से ही संबंध है जिनका, पंडित नयन घोष जी, दो दो विद्वान हमारे समक्ष अपनी अपने ज्ञान से हमको अभिसिंचित करेंगे। प्रथम वक्ता के रूप में हमारे समक्ष पंडित नयन घोष जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दो दो विधाओं में समान रूप से दक्षता हासिल करने वाले और समान रूप से मंच प्रदर्शन करने वाले ये ऐसे कलाकार हैं जो अधिकतर कलाकारों में दिखाई नहीं पड़ता है। एक विधा को संभालना ही बहुत मुश्किल होता है, सभी जानते हैं, हम संगीत के विद्यार्थी जितने भी हैं, मैं सितार का छोटा सा विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक एक विषय को ही लेके चलना मुश्किल है। वहां हम ऐसे विद्वान से परिचित हों जो दोनों विषय में और दोनों विषय में समान रूप से दक्षता हासिल हो। मैंने पंडित जी को संगत करते हुए भी देखा है और सितार मैं अभी तो लगातार फेसबुक के माध्यम से मैं कई इनके कार्यक्रम देख चुका हूं। पंडित जी कैसे इसको निभाते हैं वो स्वयं बताएंगे, लेकिन ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है कि एक विषय के साथ दूसरा विषय कैसे, वो भी विषय दो तरह के वाद्यों का, एक अवनद्य वाद्य और दूसरा तंत्री वाद्य,
जहां तंत्रीवाद को बहुत मुलायम हाथों की जरूरत है, शायद अवनदवाद को थोड़े से कठोर हाथ की जरूरत है। ऐसे हाथों की उंगलियों से दो काम करना बहुत ही आ, 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 क्या कहेंगे हम इसको, बहुत ऐसा काम है जो बहुत मुश्किल से हो पाता है। पंडित जी आज हमारे समक्ष हैं, हम सभी आज उनके ज्ञान से बहुत कुछ सीखेंगे। मैं संपूर्ण संकाय की ओर से, हमारे तीन चार विभाग हैं, गायन विभाग, वाद्य विभाग, नृत्य विभाग और संगीत शास्त्र विभाग, चारों विभाग और संकाय की तरफ से, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि ऐसे समय में जबकि हम एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे समक्ष आभासी दुनिया के माध्यम से अपने ज्ञान से हमको अभिसिंचित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके इस अनुग्रह और इस आभार को मैं कैसे, मैंने कैसे धन्यवाद दूं आपको, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। और द्वितीय हमारे प्रमुख वक्ता और हैं जो पंडित मणिलाल नाग जी, विष्णुपुर घराने के एक स्तंभ जिसको कहा जाए, वो हमारे बीच होंगे। मैं संपूर्ण समकाय की ओर से सभी बनारस के सभी कलाकारों, हमारे जितने भी हमारे अध्यापक हैं, सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और हमारी विभागाध्यक्ष वाद्य विभाग की प्रोफेसर संगीता सिंह जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे सुयोग से हमको परिचित कराया, और हम सभी आपके इस कार्य से बहुत ही हम आपको शुभकामना देते हैं कि आगे भी आप इसी तरह का कार्य करती रहें और वाद्य विभाग को और उन्नति की ओर ले जाएं। मैं अब पंडित जी के लिए संपूर्ण समय जितना भी है वो देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस से जुड़े हुए हैं, मैं एक दो लोगों को देख चुका हूँ, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी हमारे सभी व्याख्यान में मूक दर्शक की तरह, एक विद्यार्थी की तरह, मैं बहुत आश्चर्य होता है पंडित जी आपसे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे आप एक शांत होकर सभी की बातों को सुनना और उसका मनन करना, ये आपसे सीखने वाली चीज है। आप अपने विधा के तो खैर बहुत ही उम्दा कलाकारों में से हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और अब मंच फिर से डॉक्टर अंजलि शर्मा को देता हूँ आगे की कार्रवाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद सर जी, बिल्कुल सही बात अभी सर ने कहा कि इस महामारी के समय में भी हम सभी संगीत से जुड़े हुए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े बड़े विश्वविख्यात गुणी जनों को सुन पा रहे हैं, उनके सभी अनुभवों को हम सुनकर अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अवसर का विषय है। एक मिनट और जी। सर कुछ पूछना चाह रहे थे तो मैं सर को देती हूँ मंच। जी, मैं कुछ पूछना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों का नाम लेना भूल गया हूँ और बहुत ही मैंने क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग के समक्ष प्रोफेसर इंद्राणी चक्रवर्ती जी, हमारे संगीत संकाय से शायद वो बचपन से जुड़ी हुई होंगी, वो भी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका मैडम, मैं देख नहीं पाया था उस समय। प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर जी इलाहाबाद संगीत विश्वविद्यालय से वहाँ पर हमारे उपस्थित हैं, जिनको भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। प्रोफेसर सव्यसाची सरखेल जी विश्व भारती यूनिवर्सिटी से उपस्थित हैं। जितने भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ एक छोटे मोबाइल में, तो मैं पुनः सबका स्वागत करता हूँ। मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहले स्वागत नहीं कर पाया। जी धन्यवाद सर, और इसी के साथ
अब ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यूं तो पंडित जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनके बारे में कुछ कहना जैसे सूरज को दिया दिखाना जैसा है, परंतु चूंकि यहाँ पर बहुत विद्यार्थी गण भी उपस्थित हैं जो अभी नवीन विद्यार्थी हैं और कुछ ही दिनों से संगीत जगत से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तथा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं पंडित जी के व्यक्तित्व के विषय में कुछ बातें साझा करने जा रही हूँ। माइस्ट्रो नयन घोष इज एक्लेम्ड इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट म्यूजिशियन विद एन अनयूजुअल डायमेंशन, द ओनली माइस्ट्रो विद सुपरलेटिव कमांड ऑन टू डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट द सितार and the tabla. His sitar recital sparkled with intense melodiousness and rich delineation, bringing out the depth and the true spirit of the raga. He born in 1956, his performance career begins at the very early age of 4, and since the time of 1974, his music took him across continent rapidly and saw him represent India at some of the most prestigious international music festivals and universities across Europe, UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Southeast Asia, etc. He is a recipient of the prestigious National Award from the Government of India, the Sangeet Natak Academy Award in the year 2014 for tabla at the hands of Honorable President of India, Sri Pranab Mukherjee at New Delhi, Rashtrapati Bhavan. He also received 1998 Achievement Award from the Government of California in Los Angeles. He also received Padam Bhushan Pandit Samta Prasad Lifetime Achievement Award, Infosys Ustad Bale Khan Lifetime Achievement Award, Pandit Mani Prasad Lifetime Achievement Award in 2019 and many more. Nayan Ghosh Ji has had the honor of sharing the stage with such legend as Ravi Shankar Ji, Ustad Vilayat Khan and Pandit Nikhil Banerjee Ji. Beside the whole galaxy of stars like Buddhadev Das Gupta Ji, Shiv Kumar Sharma Ji, Amjad Ali Khan Ji, Pandit Jashraj Ji, Abdul Halim Jafar Khan Ji, Rais Khan Ji, and Al Subramaniam Ji, amongst other stalwart, he has collaborated with world musicians such as the father of minimal music, Terry Riley, and etc. In 2016, the maestro was especially invited along with his talented son Ishan Ghosh by the former president of United States. In 2016, the maestro was especially invited along with his talented son Ishan Ghosh by the former president of United States, President Jimmy Carter, to give a benefit concert for the Habitat for Humanity project and facilitated by the president himself in Atlanta. Presently, as director of India's leading music academy, the Sangeet Mahabharati in Juhu, Mumbai, Nayan Ji is imparting advanced training to numerous young aspiring musician. A top graded artist of the Prasar Bharati
and a member of its audition board, he has played a vital role in the completion of his late father's magnum opus, the Oxford Encyclopedia of the Music of India, which was published worldwide in 2011. After a full 50 years of intensive and extensive research, he is also an empaneled guru in the city NCPA Guru Shishya Parampara project. The year 2018 marked the 50 years of Nanji's performing career. हम सब बहुत धन्य हैं कि पंडित जी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं. ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ पंडित नैन घोष जी को कि कृपया आप हम सबके समक्ष पधारें और अपने अनुभवों को हम सभी के साथ साझा करें. पंडित नैन घोष जी. धन्यवाद. खास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स डॉक्टर राजेश शाह डीन और संगीता सिंह जी जो हेड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिवीजन हैं, आप सबको धन्यवाद और नमस्कार कहते हुए और जितने यहाँ वरिष्ठ कलाकार मौजूद हैं इन सबको प्रणाम करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा सबका सबकी आज्ञा लेके इजाजत लेके. तो मैं कोशिश करूँगा संक्षिप्त में मेरी यानी सांगीतिक यात्रा समझाने की कोशिश करूंगा. मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, हूं तो बंबई का लेकिन इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा हिंदी में बात करने की. हमारे मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एक महान विश्वविद्यालय के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और इस अवसर पर मेरी जीवन यात्रा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो यहाँ जो भी मौजूद हैं सीनियर म्यूजिशियंस, इंद्राणी जी को अभी थोड़ी देर पहले इनवाइट किया गया था, उनको प्रणाम. नित्यानंद भाई मेरे बड़े भाई और पंडित मणिलाल नाग जी अगर हैं यहाँ इस वक्त मौजूद उनको प्रणाम. पंडित अरविंद पारिक जी, देवूदा देवू चौधरी जी, कल बड़ा अच्छा उनका व्याख्यान सुना, सबको प्रणाम. मैं एक सांगीतिक परिवार में जन्म लिया इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ. मेरे पिताजी पद्मभूषण पंडित निखिल घोष जी एक महान तबला वादक गुरु और एक बड़ा संस्था स्थापित करने वाले और भारत का सबसे पहला विश्वकोश इकट्ठा करने का जो प्रयास उन्होंने किए, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे 20वीं सदी के. मेरे ताऊ जी थे बांसुरी के पितामह पंडित पन्नालाल घोष जी और उनसे पहले और चार पांच पीढ़ी सभी संगीत में लीन थे, लेकिन उस जमाने में संगीत को प्रोफेशन के हिसाब से लेना समाज में उचित और अच्छा नहीं समझा जाता था. लेकिन फिर भी मेरे दादाजी बहुत अच्छे सितारिये थे, अक्षय कुमार घोष जी, और अच्छे उस्तादों से उन्होंने तालीम ली जो ढाका में जिन्होंने ढाका में पूरे बंगाल में पहले अनडिवाइडेड बंगाल में
जो सबसे बड़े सितार के गुरु माने जाते थे श्री भगवान चंद्रदास उनके शिष्य थे, और उनके गुरु जो थे कासिम अली खान साहब रबाबी है, तानसेन जी के वंश के बिलास खान का जो सिलसिला चला आया उसके सेकंड लास्ट रिप्रेजेंटेटिव कासिम अली खान साहब रबाबी है, उनसे भी थोड़ा बहुत मेरे दादाजी ने सीखा। और मेरे परदादा हर कुमार घोष ध्रुपद गाते थे और पखावज बजाते थे, और उनसे पहले वंशी बदन घोष, उनसे पहले रामलोचन घोष, सभी सभी ध्रुपद ये थे। तो ऐसे परिवार में जन्म जो मैं ले सका ये बहुत भाग्य की बात है। और जैसे संगीत के परिवार में होता है लाइक फिश टेकिंग टू वॉटर, यानी बचपन से ही गाना बजाना एक बड़ा स्वाभाविक रूप से चला आया, तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है कि 4 वर्ष की उम्र में मैं ऑल इंडिया रेडियो से पहला तबला सोलो बजाया 1960 में। तो ये बहुत नेचुरल है, कभी कभी लोग जरा आश्चर्य हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नेचुरली ना होता तो फिर आश्चर्य की बात होती शायद। खैर अगर बीच में किसी को, आप में से किसी को भी अगर कोई प्रश्न करना हो तो जरूर मुझे ऐसे हाथ दिखा के आप जरूर पूछिएगा। तो तालीम मेरी कब शुरू हुई ये मुझे याद नहीं, काफी बचपन में मेरे ख्याल से 1.5-2 साल की उम्र में शायद शुरू हो गया होगा। और तालीम पिताजी से गाने में और तबले में दोनों साथ साथ चला। और ये मेरे पिताजी के जीते जी आखिर तक उनसे मुझे ये दोनों फील्ड में तो तालीम मिला ही, पर सितार इन कंपैरिजन टू तबला एंड वोकल थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, यानी 11-12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हुआ सितार, और 16-17 साल की उम्र में मैं सितार का भी कार्यक्रम करने लगा बाहर, और ऑल इंडिया रेडियो से ही से भी। और तबला तो बचपन से बजाने लगा था 8-10 साल की उम्र से। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर में बचपन से बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, मतलब ऋषिकुल्य लोग हमारे घर में आके रहे। मेरे पिताजी के तीनों गुरु, सबसे पहले गुरु गुरुदेव ज्ञान प्रकाश घोष जी, फिर उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, फिर उस्ताद अहमद जान खान साहब, ये सब हमारे घर में आए आते थे, रहते थे। त्रिकुआ खान साहब करीब 8-10 साल रहे हमारे घर में, तो उस दरमियान उनका सेवा करने का मौका मिला, उनसे भी तालीम लेने की मतलब मुझे मौका मिला, उस्ताद अहमद जान त्रिकुआ खान साहब से, गुरुदेव ज्ञान प्रकाश घोष जी से, अमीर हुसैन खान साहब से डायरेक्ट तालीम लेने का मौका नहीं हुआ क्योंकि मैं काफी छोटा था, खेल कूद में था, और उनको मेरा ही दादा समझ के वो मुझे खेलने ले जाते थे बाहर बगीचे में, पार्क में, मैदान में, तो यही था उनके साथ रिलेशन हमारा। खैर तबला और सितार धीरे धीरे दोनों, और गाना, ये तीनों साथ में चलता गया पिताजी से तालीम। और हो सकता है कि क्योंकि मेरे दादाजी सितारिये थे जिनको मैंने नहीं देखा, मेरे पिताजी खुद काफी छोटे बच्चे थे जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, लेकिन मेरे पिताजी ने उनसे थोड़ा बहुत सितार भी सीख लिया था। और मेरे ताऊ जी पन्नालाल घोष जी काफी अच्छा सितार सीख लिया था मेरे दादाजी से, और शुरुआत में सितार भी बजाते थे
और बाद में सितार के बड़े बड़ी अच्छी अच्छी गतें भी बनाई। तो सितार का चर्चा था घर में, लेकिन आज भी अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा तबला मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है, सितार दूसरा है। कोशिश तो करता हूँ दोनों मेंटेन करने का, दोनों एक ही स्टैंडर्ड कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने जो तबला तबले की तालीम हासिल की और जो भी उसमें कर पाया टूटा फूटा जो भी, वो एक बात है, मैंने तबले में मुझे रियाज करने का बहुत अवसर अच्छा अच्छा मिला और पिताजी से गाइडेंस मिला। सितार थोड़ा बहुत रियाज किया, ज्यादा नहीं। ये भगवान का कृपा हो सकता है या ये टैलेंट के जोर से अगर जो भी बजाता हूं, लेकिन सितार मैंने वैसे रियाज जो बैठ के करना एक ढंग का रियाज होता है वो कभी नहीं किया, तबले का ही किया। तो सितार इसीलिए मैं इसको मेरा सेकंड सब्जेक्ट समझता हूँ। और लेकिन दोनों करके और दोनों करते हुए मुझे एक संपूर्णता, एक परिपूर्णता, एक कंप्लीटनेस मुझे मिलता है। और ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं तबला जानता हूं और तबले की तिहाइयां सितार पे ट्रांसलेट कर लेता हूं, ये मैं कभी नहीं करता हूं। हालांकि ये काम बहुत ही आसान हो सकता था मुझे, तबले की तिहाइयों को बिठाना सितार में, लेकिन वो नहीं करता हूं। सितार को मैंने सितार जैसे ही रखा, कोशिश की। हाँ, राजदारी की तालीम, मेलोडियस जो सुर सुर का जो आनंद, वो मैंने तबले में भी लाने की कोशिश की। तो ऐसा बैलेंस हमने कोशिश किया, क्योंकि सितार में अगर मैं तबले की तिहाइयां लाऊं तो फिर सितार का जो भाषा है वो कहीं उसमें आघात लग सकता है, ये मैं फील करता हूं। और फिर लयकारी की तरफ ज्यादा झोंक हो जाए, होने का संभावना है, फिर सुर कहीं कमजोर ना हो जाए और लय ही ज्यादा प्रबल हो जाए, ये ना हो, इसीलिए मैंने तबले को, मेरे तबले की विद्या जो भी हासिल की मैंने, उसको मैंने सितार में इंटरफेयर नहीं करने दिया। अब मेरे इंस्पिरेशंस के बारे में बात करूं, जिन जिन से मैं इंस्पायर हुआ उसके बारे में भी थोड़ा कहूंगा। तालीम पिताजी की, पिताजी से जो मिली वो आखिर तक, जब 1995 में पिताजी चले गए तब मैं 38 साल का था, तब तक तालीम कंटिन्यूस सितार में, गाने में और तबले में ये चालू ही था। और मैंने जैसे कहा थोड़ा ज्ञान प्रकाश घोष जी से, तो और काफी 6-5-6 साल तो थिरकवा खां साहब के पास भी तबला सीखने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। और पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता जी जो बड़े एक महान सरोदीय होके गए हमारे हिंदुस्तान में, हालांकि वो मेरे पिताजी को चाचा पुकारते थे, इसलिए मैं उनको दादा बड़े भाई का जगह मैंने मेरे मन में दिया, हालांकि उम्र में चाचा के करीब कह सकते हैं, लेकिन उनका बहुत मुझे स्नेह मिला, बहुत मिला। और उनसे मैंने कुछ रेयर बंदिशें उनके घराने के, सेनिया शाहजहानपुर घराने के, कुछ गतें वगैरह सीखने की कोशिश की, कुछ रेयर रागज भी समझने की कोशिश की। और उनका मुझे हर तरह से बहुत प्यार, स्नेह, सपोर्ट बहुत मिला, और आज बहुत मिस करता हूँ। अभी 2 वर्ष हो गए उनका देहांत हो गया वो। अब मेरे इंस्पिरेशंस, बचपन से मेरे घर में मेरे पिताजी के जो समकालीन कलाकार थे, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खां साहब, उस्ताद अली अकबर खां साहब, पंडित निखिल बनर्जी,
इन लोगों का आना जाना एक रेगुलर बात थी। पिताजी के साथ ऐसा भाईचारा और प्रेम सबका, तो आना जाना बजाना खाना पीना रहना बहुत हुआ। मैंने रात रात भर निखिल बनर्जी साहब को मेरे घर में रियाज करते हुए देखा। मैं तो बच्चा था, रात भर रियाज कर रहे हैं। मेरे पिताजी कभी कभी तबला लेके उनके साथ बैठे और मैं बच्चा था, सामने चटाई पे सो जाता था सुन सुनते सुनते। तो ये सारी इन्फ्लुएंसेस वर्क किए। और इनके सिवाय बिसाइड्स देम मुझे जिन लोगों का इन्फ्लुएंस रहा, काफी वर्षों के बाद मैंने माँ अन्नपूर्णा देवी से भी उनका भी दर्शन हुआ, उनके घर जाने का उनका स्नेह मिला और उनका भी रिकॉर्ड सुना, उससे काफी मैं इंस्पायर हुआ। पंडित राधिका मोहन मैत्र जी, बुद्ध देवदास गुप्ता जी तो मेरे गुरु थे ही, और उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद फैयाज खान साहब, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब। इन सब का प्रभाव किसी न किसी तरह से मेरे चिंतन मनन में आ ही गया, तो मैं इन सबको हमेशा याद करता रहता हूँ। और जब भी अकेले में रियाज करता हूँ तो यही मैं कोशिश करता हूँ इमेजिन करने का कि ये सब सामने बैठे हैं, तो अपना बजाना संभाल के सही हो। ये सब, ये हमेशा मैं इमेजिनरी इन सब को, मेरे पिताजी को और मेरे सारे गुरु और जितने इंस्पिरेशन से, मैं ये कोशिश करता हूँ इमेजिन करने की सामने सब यही लोग बैठे हैं। बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है और सोच समझ के बजाना सोचना। और कुछ लोग मेरे लाइफ में जिनसे मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहां थोड़ा बहुत तालीम हासिल किया, उनमें से थे उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब जो रामपुर सहसवान के थे, उनके बड़े पुत्र उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान साहब से भी कई चीजें हमने सीखी। आगरा घराने के लताफत हुसैन खान साहब से भी कई चीजें हमने सीखी। और एक थे इनके बारे में शायद कोई नहीं जानते होंगे, कव्वाल बच्चा घराना, जो सबसे पुराना घराना था, जहां से ग्वालियर घराना स्टार्ट हुआ, बड़े मोहम्मद खान साहब जो थे कव्वाल बच्चे, उसी फैमिली के सिलसिले के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में थे खुर्शद अली खान साहब लखनऊ के। उनके पुत्र इकबाल अली खान साहब से भी मुझे दो तीन चीजें सीखने का मौका मिला। जब मैं 20 वर्ष का था तो वो 95 थे, तो इतना बड़ा गैप था, मुझसे 75 साल बड़े थे वो। लेकिन उस उम्र में हम लोग कहीं से उनको ढूंढ के लाए, हमारे घर रहे वो कुछ दिन, और उनसे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मुझे सीखने का मौका मिला। और एक थे, एक लाहौर के बड़े उस्ताद थे कव्वाल बच्चे घराने के, मोती शाह। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी से बहुत उनकी मित्रता थी। वो घर आए थे, बड़े लंबे चौड़े थे, बड़े तगड़े पहलवान लगते थे और भगवा पहनते थे वो, मोती शाह साधु जैसे पहनते थे, ऊपर मुंडन था हमेशा, दाढ़ी थी और पैदल मीलों चलते थे और बड़े जबरदस्त गवैये थे। उनका आवाज लगाना बिल्कुल उस्ताद फैयाज खान साहब लगते थे वो, ऐसा दमदार गाना था उनका, मोती शाह जी लाहौर के रहने वाले। बाद में वो कुछ दिनों के लिए बंबई थे, हमारे ही इलाके में बंबई में, जब पिताजी से मुलाकात हुई और बाद में वो चले गए पाकिस्तान, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई और कोई खबर नहीं मिला उनका। बहुत बड़े बुनियाद में उनसे भी एक आध चीजें
बिलावल का, जय जयवंती का कुछ मिला मुझे। और मेरे बड़े नजदीक के और बहुत सीनियर म्यूजिशियन थे जिनसे मेरा बहुत बड़ा अच्छा लगाव था, उस्ताद यूनुस हुसैन खान साहब, विलायत हुसैन खान साहब के बेटे, बड़े पुत्र, उनसे बहुत लगाव था मेरा। और जिनके साथ बजाने का मौका बाद में मिला, तबला संगत करने का मौका मिला, सबसे पहले 13 साल की उम्र में मैंने पंडित मणिलाल नाग जी के साथ बजाया। आज उनको मैं प्रणाम कह रहा हूँ। उन वो किताब बंद हो जाते, ओटा देखो। हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं? अच्छा, नित्या भाई, यू कैन हियर? हाँ सर, सुन पा रहे हम लोग। गुरुजी सुन पा, अच्छी बात। ओके, तो मुझे आई फील ब्लेस्ड कि उस्ताद विलायत खान साहब, पंडित रविशंकर जी के साथ, पंडित निखिल बैनर्जी के साथ संगत करने का मुझे कई सारे मौके मिले, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, पंडित जसराज जी, उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब के पुत्र, लताफत हुसैन खान साहब, यूनुस हुसैन खान साहब, बहुत सारे आर्टिस्ट, बुद्धदेव दास गुप्ता जी, अमजद अली खान साहब, उस्ताद अमजद अली खान साहब, हमारे शरण रानी जी, उस्ताद रईस खान साहब, बुद्धदेव दास गुप्ता जी तो मेरे गुरु थे, उनके साथ बहुत बहुत संगत करने का मौका मिला, राजीव तारानाथ, बड़े अच्छे सरोदी है, शमीम भाई, उस्ताद शमीम अहमद खान साहब से तारी है, देबूदा देबू देवव्रत चौधरी जी, और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ, हलीम जाफर खान साहब, राम नारायण जी, झट से सबका नाम ये नहीं याद आ रहा है सिलसिले में, लेकिन शमीम भाई, फिर मेरे समकालीन बुधादित्य भाई, शाहिद भाई, विश्वमोहन भाई, अजय चक्रवर्ती जी, राशिद, सबके साथ बजाने का मौका मिला। और ये इन शॉर्ट मेरा म्यूजिकल साइड जो है। और पिताजी से मैंने सितार सीखा, ये बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न किया इसके बारे में मेरी जिंदगी में, कई लोगों ने पूछा कि वो तो तबला वादक थे तो उनसे आपने सितार कैसे सीखा। अब ये अब आपको बताऊं, मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे अरविंद काका, नमस्कार, प्रणाम, अरविंद काका प्रणाम, तो अरविंद काका, कैन यू हियर मी? प्रणाम, आई कांट हियर यू, यू विल हैव टू अनम्यूट, यू हैव टू अनम्यूट अरविंद काका। नो, हाँ अरविंद काका, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। प्रणाम, आपको प्रणाम, थैंक यू, थैंक यू, चलिए आगे चलो। हाँ जी, तो पिताजी को मेरे दादाजी यानी अक्षय कुमार घोष जी से सितार का थोड़ा बहुत बचपन में तालीम मिला था, लेकिन बहुत जल्दी कम उम्र में मेरे पिताजी जब 10-11 वर्ष के थे तब उनके पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन पन्ना बाबू ने अच्छे से तालीम ली थी मेरे दादाजी से। तो पन्ना बाबू पहले सितारिये थे, सितार बजाते थे,
तो ये फैमिली में था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छे अच्छे सरोदीय सितारियों के साथ संगत किया और रहे, अलाउद्दीन खान साहब, हाफिज अली खान साहब के बहुत नजदीक रहे और उनके साथ बजाया बहुत, फैयाज खान साहब के साथ, मुश्ताक हुसैन खान साहब के साथ। तो ये उनका जो एक्सपीरियंस था वो मेरे काम भी काफी हद तक आया। और पिताजी के समकालीन जो सितारिये थे, पंडित रविशंकर जी उस्ताद, विलायत खान साहब के साथ इतना एक क्लोज रिलेशन था। ऑल्सो इंद्राणी जी यहाँ है तो मैं कहूँ कि मुश्ताक अली खान साहब के साथ भी बड़ा अच्छा उनका रिलेशन और एक नजदीक का ये था रिलेशन मेरे पिताजी का। विलायत खान साहब एक सिर्फ मित्र नहीं थे, बिल्कुल सगे भाई जैसे थे। मेरे पिताजी के साथ उनका ऐसा एक रिश्ता था और बचपन से तो उनका सितार, मैंने जो शुरू में कहा, उनका प्रभाव मेरे सितार में बहुत प्रबल है। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अरविंद काका अभी सामने आ गए, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं हमेशा कहता जाता हूँ कि उनका प्रभाव मेरे सितार में बहुत। और लोग भी कहते हैं शिकारी छेड़ने से शुरुआत से ही पता चलता है। लेकिन मैं बचपन से उनको इतने नजदीक से देखा, सौभाग्य मिला मुझे, आई एम फील ब्लेस्ड। सितार बचपन से उनका सुना, हमारे घर भी काफी आते थे, पिताजी के साथ ऐसा भाईचारा था। और उनके साथ बाद में जाके संगत करने का जो बहुत सारे मौके मिले, आशीर्वाद बहुत मिला उनका, बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला। तो मैं ये सारे इन्फ्लुएंसेस जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले भी कहा, बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब के साथ बहुत क्लोज रिलेशन मेरे पिताजी का था, वो भी बिल्कुल देवर लाइक ब्रदर्स, तो हमारे घर में आना जाना बहुत था। तो ये सारा एक मिक्सचर हुआ, पिताजी का तालीम, खास कुछ चीजें बुद्धदेव जी से जो भी मैं ले सका, कुछ रेयर बंदिशें, और ये सारे इन्फ्लुएंसेस, फैयाज खान साहब, अब्दुल करीम खान साहब, मुश्ताक हुसैन खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब, विलायत खान साहब, अली अकबर खान साहब, निखिल बनर्जी, सबका इन्फ्लुएंस, सब कुछ एक स्टार्टेड वर्किंग, इट वाज अ मेल्टिंग पॉट। तो ये मेरा सितार का बैकग्राउंड। और वंस अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगा, मेरा मेन सब्जेक्ट तबला ही रहा और रहेगा, सितार एज ए सेकेंड सब्जेक्ट करता हूँ। मैंने तबले की रियाज, जो 8-8, 10-10 घंटे वाला रियाज वो किया, लेकिन सितार पे जिंदगी में रियाज नहीं किया मैंने। और जो भी बजा सकता हूँ, बड़ों का आशीर्वाद कृपा है, भगवान का कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो भी बजा पाता हूँ टूटा फूटा, लेकिन ये शौक से बजाता हूँ मैं। एंड आई फील द नीड, तबला जब बजाता हूँ तो तबले के अंदर जो मेलोडियसनेस, वो मेरे रागदारी का इंटरेस्ट, सितार का इंटरेस्ट, गाने की तालीम, सबसे ज्यादा तालीम मुझे मेरे पिताजी से गाने में मिली, बाद में तबला, बाद में सितार। तो गाने में, गाने का हमेशा रियाज चलता ही रहा, चलता रहता है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है और ये मेरे म्यूजिकल साइड का है। फिर मेरे पिताजी ने जो इतना बड़ा एक संस्था स्थापित किया, संगीत महाभारती, जो करीब आप समझ लीजिए एक विश्वविद्यालय का ही स्तर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च की टीचिंग मेथोडोलॉजी पे और वो काफी कामयाब हुआ और वो काफी प्रचलित भी हुआ पूरी दुनिया में, अराउंड द ग्लोब।
उनका सिस्टम ऑफ नोटेशन जो उन्होंने इन्वेंट की उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी इंक्लूड किया, क्योंकि उससे पहले भातखंडे जी पलुस्कर जी का जो सिस्टम था नोटेशन का, छात्रों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये म्यूजिशियनों का काम नहीं, छात्रों के लिए ये बहुत काम आया। उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन का भी नोटेशन किया है, सितार सरोद के लिए, गज के इंस्ट्रूमेंट, सारंगी वायलिन के लिए, फ्लूट टंगिंग के लिए, तबले के सारे फिंगरिंग पोजीशंस के लिए सब उन्होंने नोटेशन तैयार जो भी किया, और उसको थोड़ा बहुत मेरी तरफ से मैं एडिशंस डालता गया। वो आज बहुत काम दे रहा है बहुत से लोगों को, शॉर्ट हैंड जैसा है कि आप सुनते सुनते आप इमीडिएट नोटेट कर सकते हैं। तो ये उनका नोटेशन सिस्टम, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचर्स ट्रेनिंग पहली दफा एज एन इंस्टीट्यूशन ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारे संगीत महाभारती में। हमारे जितने टीचर्स फैकल्टी हैं सबको पहले 2-3 वर्ष का ट्रेनिंग, दे हैव टू अंडरगो द ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, एंड जिसको कहते हैं मैनर एंड मैटर ऑफ टीचिंग, और बाद में उनके हाथ में क्लास दिया जाता है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है, क्वालिटी बहुत इंप्रूव होता है इसमें। कहीं एक टीचर अगर एब्सेंट रहे किसी कारण, दूसरा टीचर अगर क्लास लें, स्टूडेंट को कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं पता मालूम होना चाहिए, इसलिए ये सारे चीजों को स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। फिर एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, जो उन्होंने एट द पीक ऑफ हिज करियर, आप ये समझ लीजिए कि मेरे पिताजी बड़े सक्सेसफुल परफॉर्मर थे, इंडिया के सारे जितने कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल्स होते थे सब में बजाते थे, और उसी टाइम उन्होंने ये एक नेसेसिटी, उन्होंने एक फील किया कि भारतवर्ष में इतना टैलेंट है लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड और एक डिसिप्लिन्ड और एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं है इनको गाइड करने के लिए। तो इसीलिए वो संगीत महाभारती भी स्थापित किया उन्होंने, और एक्सपेरिमेंटेशन करते करते वो बड़ा अच्छा रूप लिया। और एनसाइक्लोपीडिया, कोई भी कुछ जानना चाहते हैं तो 10 जगह भटकते हैं, गुनियों से मिलते हैं, स्कॉलर्स से मिलते हैं, किताब पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये चीज एक जगह मिले सारे इंफॉर्मेशन, चाहे वो राग हो, ताल हो, टेक्निकल टर्म्स हो, हिस्ट्री हो, घरानाज हो, बायोग्राफीज हो, बिब्लियोग्राफी हो, और सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक नहीं, कोई फोक म्यूजिक के बारे में जानना चाहे, ट्राइबल म्यूजिक, रिलीजियस म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक, मिलिट्री म्यूजिक, नेवल म्यूजिक, म्यूजिक ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक इन इंडिया एंड म्यूजिक ऑफ द नेबरिंग कंट्री जहां इंटरेक्शन हुआ है। इसीलिए एक एनसाइक्लोपीडिया जो लिखा गया वो ईरान से, पर्शिया से इंडोनेशिया तक, तिब्बत से श्रीलंका तक हम लोगों ने उसको कवर करने की कोशिश की, और 50 साल का रिसर्च के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दे हैव पब्लिश्ड इट। तो ये पिताजी का एक सपना था कि ऑक्सफोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसको करे, लेकिन उससे पहले ही पिताजी चले गए। फिर ऑक्सफोर्ड के लोग, एक वहाँ से इंग्लैंड से टीम आई और उन लोगों ने पूरा जांच पड़ताल किया, हम लोगों के सारे रिसर्च मेथड्स उन्होंने क्वेश्चन किया, और उन्होंने कहा ये तो बहुत सिस्टमैटिक रिसर्च हुआ है, इसको हम पब्लिश करना चाहते हैं। सो दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रेस्टीज फॉर आवर म्यूजिक एंड फॉर आवर कंट्री। मैं समझता हूँ कि 5000 साल बाद एक ऐसा पुस्तक निकला जिसमें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। उस पर और भी काम चल रहा है अभी, ताकि नेक्स्ट एडिशन में और भी इम्प्रूवमेंट हो और भी अपडेटिंग हो। ये एनसाइक्लोपीडिया की बात। तो मैं गाना, तबला, सितार, ये सब तो चलता रहा, सीखना, सिखाना, प्रोग्राम बजाना, रियाज करना, सोचना, इसके सिवाय भी मैं इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और एनसाइक्लोपीडिया के रिसर्च में भी इन्वॉल्व होना, मैं सभी में कोशिश किया थोड़ा बहुत जितना मुझसे हुआ। पिताजी 95 में चले गए, लेकिन 2011 में एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुआ। तो उस बीच जो वो उनके स्वर्गवास और इसका पब्लिकेशन के बीच में जो समय गया,
वो काफी एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा परीक्षा था, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा डर था कि कहीं वो कोलैप्स न हो जाए। उन्होंने ऑलरेडी 35-40 साल दी थी उस प्रोजेक्ट को, अपने ही बेबी, अपने ही एक बच्चा समझ के उन्होंने उस प्रोजेक्ट को दिन रात काम किया उस पे। तो और अपना रियाज उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, आखिरी रात तक। जिस दिन वो चले गए उससे पहले रात का भी बुखार था उनको, लेकिन रियाज नहीं उन्होंने छोड़ा। और उनके हाथ का वजन, उनके पिताजी के बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कभी मौका नहीं मिलता उनके बारे में कहने के लिए। उनके तबले में एक म्यूजिकलिटी जो थी, वो मैं इन अ वेरी अनबायस्ड वे कहता हूँ, मैं बहुत ढूंढा, मुझे बहुत कम, नहीं के बराबर किसी तबले में म्यूजिकलिटी कम मिला। तबला बहुत तैयार, अच्छा सभी बजाते हैं, लेकिन पिताजी के तबले में ऐसा लगता था कि कोई गाना गा रहा है। और एक उनका जब रेला वगैरह, रौ वगैरह बजाते थे, तो ऐसा एक धुन पैदा हो जाता था कि जैसे नशा लग जाता है, जैसे एक ट्रांस का फीलिंग आता है। ये पिताजी के तबले में बहुत था। उन्होंने कभी खुद को कभी पुश करने की कोशिश नहीं की, बड़े ऋषि तुल्य लोग थे साधना में। वो कहते थे रियाज प्रोग्राम के नहीं होता, रियाज जब तक नहीं किया हम खाते। वो सुबह उठ के 2-4 घंटे रियाज करके फिर नाश्ता करते थे, रात को रियाज करके 1-1.5-2 बजे फिर खाना खाते थे, लेकिन रियाज एक दिन का भी नहीं छूटा उनका। कोई प्रश्न अगर हो तो मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। संगीता जी, अगर कोई राजेश, डॉक्टर राजेश शाह, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अरविंद काका यहाँ है, एक और चीज बताऊं, शेयर कर लेता हूँ, हालांकि ये मुझे शायद अरविंद काका जी के साथ प्राइवेटली कहना चाहिए था, लेकिन उस्ताद विलायत खान साहब के साथ न्यूयॉर्क में जब मैं गया था, उनको फोन किया, उन्होंने कहा खाना खाने आ जाओ, तो उनके पास गया था, काफी 2-4 घंटे बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ। तब उन्होंने कहा कि नयन तुम्हारा सितार का हाथ बहुत अच्छा है, बोले। मैंने कहा आपका आशीर्वाद, आप ही के पद इस पे चलता हूँ मैं, ओनली इन योर फुटस्टेप्स, आप ही को मान के बजाता हूँ। तो बोला, उन्होंने कहा कि वो तो पता ही चल रहा है, लेकिन दादा से तुमने बड़ी अच्छी तालीम ली, उन्होंने कहा। दादा यानी मेरे पिताजी, निखिल, निखिल दादा कहते थे वो। मैंने कहा चाचा, लोगों को नहीं पता कि उनको सितार कहाँ तक मालूम था, आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप उनके साथ इतने घूमे फिरे बजाए। तो उनके मुंह से एक सेंटेंस मुझे बहुत टच हुआ, उन्होंने कहा नयन बाबू, निखिल दादा को जितना सितार मालूम था, शायद ही किसी सितारिये को उतना सितार मालूम है, उन्होंने कहा। और गते बड़े अच्छे बांधते थे। तो तब मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी 1-2 गतों के बारे में डाउट है, क्योंकि मैंने खान साहब, विलायत खान साहब चचा को, उनको चचा कहता था, आपके हद से हमेशा यमन कल्याण में सुनता हूँ, यमन में दा, ये काफी लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा ये गत आपसे भी सुनता, आपके हाथ में से सुना, पर ये किनका है गत। तब उन्होंने ऐसे पान बना रहे थे, चूना लगाते लगाते उन्होंने कहा ये निखिल दादा का गत है, मुझे इंग्लैंड में उन्होंने दिया। तो ये मुझे सुन के इतना मैं टच्ड हुआ और इमोशनल हो गया, मैंने सोचा आज अगर मेरे पिताजी भी होते तो कितने खुश होते ये सुन के। विलायत खान साहब जो मेरे हीरो,
मेरे पिताजी उस्ताद अहमद जान फिरकवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब और विलायत खान साहब, ये चारों मेरे आदर्श रहे हैं। जी कोई प्रश्न? जी जी पंडित जी, कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। आप जानना चाहूंगी कि ये विवेक जी ने एक प्रश्न किया है कि फर्रुखाबाद घरानों की मूल विशेषता क्या है और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद घराने की विशेषता और उनके तालीम किस प्रकार से अन्य घरानों से भिन्न है और उसमें क्या अलग है और क्या विशेषता है। जी, तबले पर जाने से पहले सितार का थोड़ा सा और अगर एक दो पॉइंट हो तो वो कवर कर लेते हैं। तबले के बारे में जरूर, ये वो मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा बहुत नजदीक का सब्जेक्ट है। मैं फर्रुखाबाद के बारे में जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत से अभी तक फर्रुखाबाद के बारे में उतना क्लैरिटी हुआ नहीं है तबले के, इसमें मैं बताऊंगा। मेरे पिताजी के बारे में एक और चीज बताऊं, जब मैं सितार लेके बैठता था वो तालीम देते थे। कभी समझ लीजिए, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, वो खटिए पे लेटे हुए हैं और वो लेट लेट के मुझे रागदारी या गत दिखा रहे हैं, खास करके ऐसे कुछ गौर सारंग कोमल ऋषभ आसावरी तालीम चल रहा है और मैं अगर गत बजाऊं और अगर वो लेटे थे, समझ लीजिए कि उस तरफ मुंह करके उल्टी तरफ, और मैं कौन सा फिंगर कहाँ दा मार रहा हूँ, कहाँ रा दे रहा हूँ, स्ट्रोक हो या लेफ्ट हैंड तान अगर बजा रहा हूँ, तो वो बताते थे नहीं इसको फिर से बजाओ, बोले यहाँ दा से फलाने नोट से वहां से तुम उसको डबल दा ले लो, वहां से कर लो। सुन के बताते थे वो कौन सा स्ट्रोक था होना चाहिए, और बोले तान अगर बजा रहा हूं तो बोले यहाँ हाँ अब वहां उस नोट तक जाके उस बी, हम ए फिंगर कहते हैं इसको इंडेक्स को, और बी फिंगर मिडिल फिंगर को, बोले वहां से तुम बी फिंगर लेके वापस ऐसे घूमो। तो सुन के वो उनको पता चलता था कि मैं मेरा दाहिना बायां हाथ सितार पे कहाँ पोजिशनिंग हो रहा है। ये ऐसा उनका बड़ा बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन था सितार के बारे में, पिताजी की बात कर रहा हूँ। तबला तो उनका बहुत ही, तबला वो भी लेके आंख बंद करके पता चलता था उनको बाएं में मेरा इंडेक्स फिंगर लग रहा है या मिडिल फिंगर लग रहा है, ये भी उनको पता चलता था। तो सितार के बारे में अगर कुछ प्रश्न हो तो आई रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ हो फर्रुखाबाद के बारे में, नहीं तो मैं शुरू करूँ। जी 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 पंडित जी, ये प्रश्न है कि आपने जो शिक्षा ली सितार की उसमें बंदिशों की क्या विशेषता है और जिस घराने से प्राप्त की उसमें क्या विशेषता है और उसमें उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी, बंदिश तो गते तो जो भी मसीद खानी रजा खानी तो होता ही है पारंपरिक, फिर उसके सिवाय बहुत सारे गते हैं, फिरोज खानी भी कहा जाता है, अमीर खानी भी है, यानी मसीद खान के ग्रैंडफादर का जो है, मसीद खान साहब के फादर फिरोज खान अदारंग जो थे वो बड़े अच्छे सितारीय बीनकार भी थे, तो फिरोज खानी गत भी है, अमीर खानी गत भी है, इमदाद खानी गत भी है, यानी विलायत खान साहब के ग्रैंडफादर के। तो गते बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, तो और इंडिविजुअली अलग अलग सितारियों ने, हर सितारिया एक नेचुरल कंपोजर भी होता है, और गत बनाना कोई अलग से बैठ के बनाना ऐसा नहीं, कभी कभी गत उपज निकल जाता है बहुत से सितारियों का। गुरु जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी।
मेरी उत्सुकता है कि फिरोज खानी और वजीर खानी गत के बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। मसीद खानी गत तो आप सब जानते हैं, विलंबित में जो बचता है, हाँ, बारहवीं मात्रे से ज्यादातर शुरू होता है। कुछ कुछ मसीद खानी गत अलग भी है, लेकिन मसीद खानी गत जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं आप शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज और वरिष्ठ कलाकार यहाँ मौजूद हैं। अरविंद पारिक जी हैं, इंद्रानी जी हैं, शायद मणिलाल नाग जी भी हैं, देवू चौधरी जी भी हैं होंगे। तो मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन सितार, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मसीद खानी गत मसीद खान ने शायद उस जमाने में जो ख्याल का प्रचलन होने लगा, उसमें से इंस्पायर्ड होके उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ताकि ख्याल के जो आइडियाज हैं उसको गत के द्वारा पेश किया जाए और उसके अंदर बाद में तोड़ा और बहुत बाद में तान आया, लेकिन तोड़ा छेड़छाड़ जो सितार पे गत होने के बाद, गत स्थाई मंजा अंतरा पेश करने के बाद जो होता है, इसके लिए मसीद खान ने, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द आइडिया ऑफ ख्याल, उसी को उन्होंने गत के रूप में, तो मसीद खानी गत बारहवीं मात्रे से ज्यादातर होता है देड़े दा देड़े दाड़ा दा दाड़ा, आठ मात्रे का स्ट्रक्चर है, या तो वो दोबारा हो सकता है 16 करने के लिए देड़े दाड़ा दा दाड़ा देड़े दाड़ा दा दाड़ा ऐसे भी, या बहुत सारे गत हैं दे दे दा, ये राइट हैंड के बोल होते हैं बेसिक। फिरोज खानी गत मुझे बुद्धदेव दास गुप्ता जी ने समझाया कि वो उसका जो मुखड़ा होता है वो काफी लंबा होता है, 2-3-4 आवर्तन तक, और वो अंतरे का एरिया भी मोर और लेस कवर कर लेता है अस्थाई के अंदर, तो अलग से अंतरे की जरूरत नहीं होती है तो ये फिरोज खानी गत के बारे में बुद्धदेव दास गुप्ता जी ने मुझे बताया कि वो उसका लय रजा खानी गत से थोड़ा कम होता है, ताकि उसमें बहुत मिजराब या सरोद में जवा का काम उसमें डाला जा सके। मैं जरा सितार ट्यून कर लेता हूँ, आपको एक एग्जांपल कोशिश करता हूँ देने का। मणिका का प्रणाम, प्रणाम मोनिका का, हेलो, सुना जाच्छे? हाँ मीता, सुनती हूँ। हाँ हाँ, बाबा का तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब है, तो इसलिए तो मैं माफ चाहती हूँ कि बाबा ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। आप सब लोगों को हमारा शुभेच्छा ओम मणिका का मैं हिंदी से बोल रही हूँ। मैं शुरुआत में कहा, मेरा फर्स्ट संगत मैंने जिनके साथ किया तबले पे, मैं 13 साल का था, मणिलाल नाग जी के साथ मैंने पहली बार बजाया था। आई वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड, दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एकॉम्पनीमेंट। मैं पिताजी को अभी बताया नयंदा, पिताजी को याद आया कि आप 13 साल उम्र में पिताजी के साथ आपने बजाया। जी, it's a blessing। हाँ हाँ,
जैसे एक फिरोज खानी गत की बात निकली, ये बुद्धदेव दास गुप्ता जी से मैंने सीखा। मोहम्मद अमीर खान साहब का गत है, राधिका मोहन मित्रा जी के जो गुरु थे सेनिया शाहजहानपुर के, फिरोज खानी गत। ये फिरोज खानी गत, क्योंकि इसमें अंतरे का भी रिक्वायरमेंट जो है वो स्थाई के अंदर ही पूरा हो जाता है और वो एक आवर्तन से ज्यादा होता है, और ये खास पहचान है फिरोज खानी गत का। तो प्रश्न का जवाब आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव। जी 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 सर। और सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो वजीर खानी के बारे में कुछ अगर बताएं। नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, जो मालूम नहीं है मैं उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन मैहर घराने में बहुत सारे गत जो सम से शुरू होते हैं, शायद वो वजीर खानी होंगे। मेरे ख्याल से ये शायद वजीर खानी होगी, लेकिन लेट सम अथॉरिटी स्पीक ऑन इट, नॉट मी। जी गुरु जी, गुरु जी कुछ गजा खानी गतों के प्रकार भी आपसे हम लोग सुनना चाहेंगे। जी कोशिश करता हूँ। रजा कहानी है, ये भी देखिए एक अलग वृंदावनी सारंग में। जी
थोड़ा सा अलग डिजाइन का है, दीदी दा दीदी दा 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 दीदी दा दीदी दा दा जी गुरु जी जी गुरु जी जी आप तबले पे बोल सकते हैं गुरु जी। जी प्रश्न था तबले के बारे में, फरुखाबाद घराने के बारे में, उसके लिए बहुत संक्षिप्त में बोलूं। जी जी पंडित जी, इसके साथ ही एक और प्रश्न था कि तबले की फरुखाबाद घराने की बोल वाणी और उसकी विशेषताओं पर भी थोड़ा अगर आपसे कुछ ज्ञान मिल सके। जी सबसे पहले एक बहुत क्विक रन मुझे करना है ऑन द हिस्ट्री, फरुखाबाद आया कैसे और क्यों। सबसे पहला घराना पुराना जो है प्राचीन, वो दिल्ली घराना, जिसको कहते हैं दो उंगलियों का बाज, यानी तिट तिट तिट, और किनार का बाज भी कहते हैं। दिल्ली नाम बाद में आया, तो किनार का बाज या दो उंगलियों का बाज, तो उसमें जैसे धाधा तिट धाधा तिन्ना धाते ते धाते ते धाधा ते धागे तिन्ना के ना, तब दो उंगली से जो धाती धागे ना धाती धाती धागे तिन्ना के ना, ये सारे दिल्ली के चीजें हैं। दिल्ली में नादिर शाह, एक पर्शियन राजा जो आके आक्रमण किया था, उसमें काफी दिल्ली में पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस बहुत हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेनोसाइड, लाखों लोगों का को मार दिया उन्होंने। तो इसीलिए दिल्ली घराने के तीसरी पीढ़ी, यानी पहला सबसे पहला नाम जो हमारे रिकॉर्ड में आता है उस्ताद मियां सिद्धार खां, तो उनके चार बेटे थे, एक भुगरा खां साहब थे और एक अज्ञात नाम जिनका नहीं मिल रहा है, उनके बेटे दो तीन थे, मक्खू खां साहब, बक्सू खां साहब और मोदू खां साहब। तो मक्खू खां साहब दिल्ली में रह गए, बाकी दोनों भाई बक्सू खां साहब और मोदू खां लखनऊ चले गए, वहां से भाग के दिल्ली से, और लखनऊ घराना उन्होंने उसमें सुर के बोल ज्यादा और मोटे बोल, टिटे को दो उंगली के जगह पूरे तीनों उंगली का टिट तेरे के थाप हथेली का यूज आया। क्यों? क्योंकि लखनऊ में पखावज का प्रचलन बहुत था और नाच के साथ भी वहां तबला बजाना पड़ा, तो जोरदार बजाना था, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए दिल्ली का जो बाज किनार का वो बहुत नाजुक था, वो सफिशिएंट नहीं हो रहा था, वो कमी पड़ रही थी, तो हथेली का बाज आया, सुर का बाज आया। और लखनऊ से बाद में, क्योंकि ये उन्होंने तबले में इंट्रोड्यूस किया, दिल्ली वाले बड़े नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा तबला और शुद्ध नहीं रहा, तबला करप्टेड हो गया है, पखावज के बोल आए, नाच के बोल आए, तो तबला प्योर नहीं रहा। इसीलिए उनके ही बक्सू मियां बक्सू जी के जो शागिर्द सबसे बेस्ट शागिर्द थे उस्ताद हाजी साहब, हाजी विलायत अली खान साहब, उन्होंने फरुखाबाद घराना शुरू किया। क्यों? उन्होंने दिल्ली के जो नाजुक बोल हैं, लखनऊ के जो मोटे बोल हैं, दोनों को लेकर, लेकिन पखावज और नाच का जो बोल है उसको हटा के तबले को शुद्ध रखने के लिए उन्होंने ये दोनों मिलाया। तो फरुखाबाद घराने में इसीलिए एक वर्सेटाइलिटी मिलता है कि उस घराने में हर किस्म के बोल हैं, उसमें नाजुक बोल भी हैं, फाइन रिफाइंड बोल्स भी हैं और बोल्ड स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक रेपर्टॉय तैयार किया, खास करके गतों का, तबले के गत अलग चीज होता, गतों का, रेले कायदे, गतंग कायदे, टुकड़े, चक्रधार, बहुत उन्होंने बनाया, हजारों। ही वॉज ए ग्रेट कंपोजर, आउटस्टैंडिंग, उस जमाने के सबसे बड़े कंपोजर वो थे, हाजी साहब, हाजी विलायत अली खान साहब। तो
एक ऐसा उन्होंने स्टाइल तैयार किया जो वर्सेटाइल था, जिसमें फाइन एंड बोल्ड दोनों एलिमेंट्स थे, और जिस वजह से फर्रुखाबाद घराना इतना पॉपुलर हो गया कि वो जितना अच्छा सोलो बजाते थे फर्रुखाबाद वाले, जितने भी बड़े उस्ताद थे, उतना अच्छा संगत भी करते थे, और एक वर्सेटैलिटी था। तो ये इसके लिए बहुत सारे बोल उन्होंने, जैसे कि पखावज में तिटकटगटिंगड़ था तो उसकी जगह किड़कटिंगड़ था, ढागटिंगड़ था, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो किड़कटिंगड़ था, ये सब, ये सारे बोल फर्रुखाबाद में लाया गया, मोटे बोल। तो फर्रुखाबाद घराने में और एक चीज, जितने फर्रुखाबाद घराने के बजायक हैं, वादक हैं, शुरुआत में तो पेशकार जब बजाते हैं तो दिल्ली का ही बजाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली वालों ने पेशकार पे बहुत सोचा। तो शुरुआत का जो पेशकार इसी को आस्ते 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 जाकर उस्ताद मुनीर खान साहब फर्रुखाबाद वाले, जिन्होंने 24 गुरुओं से सीखा, दिल्ली वालों से, अजराड़े वालों से, और फर्रुखाबाद का तो गंडा बांधा ही था हाजी साहब के दोनों पुत्र के पास, निसार अली और हुसैन अली के पास, लेकिन लखनऊ वालों से भी सीखा। मुनीर खान साहब थे, उस्ताद अहमद जान थे, रकवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, इनके गुरु। उन्होंने उसका पेशकार को ऐसा एक रूप दिया जो आज दुनिया में सभी लोग बजा रहे हैं, धी कृदन धा धा धिन्ना धा तिद्धा तिद्धा धा तिन्ना धा कृदा धिन्ना धा तिद्धा कित तक दिन धा धा तिन्ना कित तक ती कृदन्ना कित तक तिन तिन्ना के नता के त्रिक तिन तिन्ना का नतक घिनाड़ धा तिन्ना घिनाड़ धा तिन्ना घिनाड़ धा तिन्ना धी कृदन धा। ये फर्रुखाबाद, लोग कहते हैं फर्रुखाबाद का पेशकार नहीं, फर्रुखाबाद वाले बजाते हैं लेकिन है दिल्ली का पेशकार। त्रिकुआ खान साहब हमेशा दिल्ली वालों को क्रेडिट किया इस पेशकार के लिए। हालांकि फर्रुखाबाद में अलग से पेशकार बना, जैसे लखनऊ में भी बना, दिग दिना तक दिना गेना दिग दिना गेना, ओरिजिनल पेशकार लखनऊ का बना, दिग दिना तक दिना गेना दिग दिना गेना दिग दिना तक दिना गेना दिग दिना गेना, बाद में उसी का एक एक्सटेंशन करके बनारस वालों ने दिग दिग दिना तक दिना धागे ना दिग दिनाड़ा दिग दिना तक दिना धागे ना दिग दिनाड़ा धागे ना दिग दिनाड़ा पे उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर बनारस वालों ने करके दिखाया। तो ये पेशकार का, पेशकार के बारे में मैंने कहा। तो फर्रुखाबाद की खासियत जो है गतों का है, टुकड़े चक्रदार, और एक चीज फर्रुखाबाद चलन कहते हैं, चलन, फर्रुखाबादी चलन, फर्रुखा खान साहब खूब बजाते थे। चलन ऐसी चीज है उसको आप कायदा नहीं कह सकते, कायदे के एलिमेंट्स भी दिखता है उसमें, रेला भी दिखता है, गत भी दिखता है, बहुत सारी चीजें उसमें उसकी शक्ल में नजर आता है, तो उसको चलन कहा जाता है। जैसे कि फिर से ये फर्रुखाबादी है, दाती दा बहुत लोग बजाते हैं, ता कर सकते नहीं, ती कर सकते। उसका भाषा भी इतना खूबसूरत है फर्रुखाबाद का, ये कभी कभी ठीक से कहा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। धाती धा धाती घेना तिन्ना घेना धाती धा कृदन घेनक धाती घेना तिन्ना केना ती गृतक ती गृतक ता गृतक ता गृतक तिर गृतक ता गृतक धाती दी घेना धाती दी घेना। ये मैं खास करके तबला के छात्रों को कहना चाहता हूँ, इस भाषा को प्लीज मेंटेन करिए, बड़ा ये बहुत डिविएट होता जा रहा है आजकल और दुख होता है उसमें। ऐसा कहते हैं लोग, ये नहीं है,
गत भी बहुत प्रकार के होते हैं, मेरे पिताजी कहते थे 54 प्रकार के गत हैं। मुझे तो मुझे अगर पूछे शायद मैं 20-25 गतों का प्रकार नाम बताऊं आपको। कायदा भी 4 प्रकार के कायदे होते हैं, शुद्ध कायदा, बलदार कायदा, गत अंग कायदा, चार दीवारी कायदा। कायदा खोलने का भी दिल्ली वालों ने बड़ा बहुत रिसर्च किया है। कायदा खोलने का जो तरीका होता है उसको एक्सपांड करने का, लोग आजकल पलटा बोलते हैं, पलटा ये सब शब्द नहीं है, पलटा लग्गी का भाषा है। कायदे को जब खोलते हैं उसको कहते हैं बल, और बल में भी अगर एक अच्छा कायदा विस्तार जिसमें काफी किया जा सकता है तो उसमें भी 4 स्टेजेस होते हैं, बल, पेंच, गिरा, फंदा। आजकल सब एक्सटिंक्ट हो गया है, पता नहीं है लोगों को। जैसे ध्रुपद अंग का आलाप 12 दर्जे का होता था, आलाप, जोड़ आलाप, गमक, लड़ी, गुथाव, लड़ गुथाव, लड़ लड़ंत, माथा, परमाठा, ठोक, तारपरन, झाला वगैरह सब होता था। वो अभी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, बस कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको ये मालूम है। जो बीनकार का ध्रुपद अंग का जो आलाप होता था वो तंत्र पे, तो मुझे बहुत सौभाग्य हुआ कि थोड़ा बहुत मैं ये 12 दर्जे पिताजी से सीखा, और वीरेंद्र किशोर राय चौधरी करके बहुत बड़े बड़े गुणी आदमी थे, तब मैं काफी 13-14 साल का था, लेकिन उनसे भी मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिला था। जो गौरीपुर के महाराजा थे और उनसे कई लोगों ने गाइडेंस ली, पंडित राधिका मोहन मोहित्रा जी, निखिल बैनर्जी साहब, सबने उनसे थोड़ा थोड़ा, वीरेंद्र किशोर जी से भी गाइडेंस लिया। मैं बच्चा था लेकिन मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके पास, उनके चरणों पे बैठने का। जी और कोई प्रश्न? जी पंडित जी, एक प्रश्न और आया है, पूछा ये है कि तबले की बोल, सॉरी, गत टुकड़ा और गत में क्या अंतर है, और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि क्या गत चक्करदार हो सकते हैं? ये आशीष मिश्रा जी हैं, उनका प्रश्न है। जी देखिए, गत जो है वो एक कविता है, और उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि तिहाई होना चाहिए, तिहाई ज्यादातर नहीं होता है गत में, टुकड़े में तिहाई भी होता है, तिहाई की जरूरत पड़ती है। जैसे टुकड़ा है, समझ लीजिए, ये तिहाई के साथ आया है, लेकिन गत एक अपने आप में एक शायरी है। देखिए, तो ये ऐसी जगह खत्म होता है कि सुनने वाले समझदार जो होते हैं तबलिए, वो बराबर सम पे हाँ करके पहुंच जाते हैं। गत बहुत अलग अलग किस्म के गत हैं, अपने आप में कंप्लीट है वो, परिपूर्ण है ये गत है। टुकड़ा मैंने बताया आपको, टुकड़ा ही अगर उसको 3 बार बजाया जाए, उसी टुकड़े को नहीं, उसका
पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा ताकि तीसरी बार वो सम पे आए, वो चक्करदार होता है। हर बार सम पे आए तो वो चक्करदार नहीं बनता, तीसरी बार ही वो जब सम पे आए तो वो चक्करदार बनता है। तो टुकड़ा इज लाइक ए गत बट विद ए हाई। टुकड़ा में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, बोलों का कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, मोटे और पतले बोल, लाउड और सॉफ्ट बोल, सुर और किनार, ये कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रहता है टुकड़े में, गत से ज्यादा। और चक्रधार इज नथिंग बट ए टुकड़ा प्लेड थ्री टाइम्स, थर्ड टाइम इट हैज टू कम ऑन सम। गत, टुकड़ा, चक्रधार और भी हैं इसी कैटेगरी में, मोहरा और मुखड़ा। मोहरा यानी छोटा टुकड़ा जो आठ मात्रे में चार मात्रे में आ जाए, और मुखड़ा वो जो एक हम किसी बजाने से किसी चीज को लेने पहले जो एक किक स्टार्ट कहते हैं, किक स्टार्ट इंग्लिश में कहते हैं, तब ये मुखड़ा, तक दिन अगर ये मुखड़ा। और हाफ साइज का टुकड़ा होता है वो मोहरा। जी और कोई प्रश्न? जी पंडित जी एक प्रश्न और प्राप्त हुआ है, ये सितार से संबंधित है, अगर आज्ञा हो आपसे पूछूं। जी ये है कि क्या विभिन्न घरानों में सितार के टोनल क्वालिटी पर भी कोई काम हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या है, और हमें सितार पर सितार की साउंड क्वालिटी पर भी किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? नहीं देखिए, सितार एक बड़ा सब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। पहले के सितार बनते थे तबली पतले होते थे, हाँ पड़वे जो हैं उतने गोल नहीं होते थे जो आजकल हो रहा है, और भी फ्लैट होते थे, तो उसमें चार सुर का मींड निकलता था तो वही सफिशिएंट था उस जमाने में। और क्योंकि तबली पतला होता था, पर्दे फ्लैट होते थे, जवारी खुला रहता था, तो सस्टेन जिसको कहते हैं बहुत देर तक साउंड आस रहना, वो कम था। इसीलिए उस जमाने में गत भी मसीद खानी गत थोड़े ऊपर चढ़े लय में बजाए जाते थे, क्योंकि उसमें सस्टेन नहीं रहता था। तो जेनरेशन टू जेनरेशन काफी लोगों ने सोचा, उसका इम्प्रूवमेंट किया, और खास करके अब के सितार में जो मैं गंधार पंचम का सितार ज्यादा बजाता हूँ, मेरे पास खरज पंचम वाला भी है, कभी कभी बजाता हूँ, सुर बाहर भी बजाता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि विलायत खान साहब ने बहुत रिसर्च किया, तबली को मोटा कर दिया, उसका कर्वेचर जो है तबली के आखिरी पार्ट का जो यहाँ का कर्वेचर ब्रिज, ये ब्रिज का जो कर्वेचर और चौड़ाई और पर्दे, इसमें गोलाई ज्यादा उन्होंने लाया ताकि सस्टेन रहे, लंबी आस मिले, और पांच छह सुर का, साढ़े पांच सुर का कम से कम एक मींड मिले। इसीलिए उन्होंने काफी, उस्ताद विलायत खान साहब ने इस पे बहुत रिसर्च किया, और जवारी को और थोड़ा गोल और बंद की तरफ ले गए, बंद नहीं गोल की तरफ ले गए, ताकि वो गायकी का जो उनका खुद तो अंदर से गवैये थे ना विलायत खान साहब, अंदर से वो उनके हृदय से वो गवैये थे, तो वो उसको प्रकट करने के लिए सितार में उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां व चेंजेस किया जो आज दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं, बजा रहे हैं। और तो टोनल क्वालिटी घरानों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है, वो अलग अलग सितार इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है और जो बजाते हैं उनके ऊपर है टोनल क्वालिटी। कुछ
कुछ लोग खुला जवारी पसंद करते हैं ताकि आराम से बजे, ज्यादा मेहनत ना लगे। कुछ लोग गोल करते हैं ताकि गायकी की कई बातें आ जाएं। कुछ लोग बिल्कुल बंद रखते हैं हाथ बहुत तगड़ा होने से, ताकि उसमें तगड़े ताने और मिजराब मार सके, तगड़ा मार सके। तो इट इज एज पर द चॉइस ऑफ द प्लेयर। जी जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम लोग आपके ज्ञान के भंडार से बहुत ही अनुग्रहित हो रहे हैं और अभी भी बिल्कुल भी हम लोगों का मन नहीं भरा है और बहुत कुछ जानने की आपसे जिज्ञासा बन रही है, बनी है, लगातार प्रश्न आ रहे हैं। एक और पॉइंट में जी, अगर यहाँ इसमें आज छात्र लोग हैं क्या? बहुत जी 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 बिल्कुल विद्यार्थीगण तो हैं। मैं खास करके कहना चाहूंगा, तबले में बहुत संभाल के बजाइए, कहाँ सुर लगना चाहिए, कहाँ किनार लगना चाहिए, कहाँ मोटे बोल लगने चाहिए, कहाँ पतले बोल लगने चाहिए, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। नहीं तो क्या होता है, एक बहुत बढ़िया निबंध लिखा है और उसमें भरपूर स्पेलिंग मिस्टेक है जी। आप समझ रहे हैं? जी जी, यू आर राइटिंग अ ब्यूटीफुल एसे फुल ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। जी, तो सुर किनार का ख्याल रखिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, दात्र के दिन आगे दिन कथा के दिन कथा के दात्र के दिन आगे दिन धीरे धीरे करके दात्र करके दात्र करके दिन आगे दिन कथा के दिन कथा के दात्र के दिन आगे दिन धीरे धीरे करके दात्र। इसमें सुर बजना चाहिए, इसमें वो जो सुर का जो लौ पैदा होता है, दात्र के दिन आगे दिन कथा के दिन कथा के दात्र के दिन आगे दिन धा, वो धा जो है सुर का बजना चाहिए। अब उसको किनार में बजाओ तो उसमें वो आस नहीं रहती है। किनार में बजाने से उसका आस खत्म हो जाता है, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है। किस लिए बनाया, जिन्होंने भी बनाया वो किस लिए बनाया? तो उसका अगर ब्यूटी, उसका जो सौंदर्य है, उसी को उसी पे अगर मार लग गया तो फिर रहा क्या? सुर की चीज है, ऐसे बहुत सारे बोल हैं। तो इसको मैं कहता हूं स्पेलिंग मिस्टेक। कहाँ कैपिटल लगाना, कहाँ लोअर केस है, अपर केस, कुछ नहीं मालूम, लिख रहे हैं बीच में अपर केस दे दिया कहीं भी, ऐसा नहीं होता। नया बनाओ, खूब बनाओ, खूब बजाओ, लेकिन पुरानी चीजों को छेड़छाड़ मत करो। तो उसमें काफी सोच क्या है, उन लोगों ने पूरी जिंदगी दे दी जिन्होंने कंपोज किया, और वो परंपरा चला आया, बड़े बड़े उस्तादों ने बजाया उस चीज को, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज हमारा भाग्य है कि वो प्योर फॉर्म में हम लोगों तक पहुंचा। अब हमारा दायित्व बनता है कि उसको प्योर रखें आने वाले पीढ़ियों के लिए। अगर हम ही उसमें चेंजेस करें ऐसे, ये बहुत अन्याय होगा। जी पंडित जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई, अभी मैम ने भी बिल्कुल ये सही बात बोली कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए धरोहर संजो कर हम तक पहुंचाया, हमारा भी ये पूरा कर्तव्य बनता है कि उसको उसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएं। तो हम सब लोगों को ये बहुत बड़ी सीख मिली है, बहुत आपसे बहुत ज्ञानवर्धन प्राप्त हुआ, और अभी भी हम तो यही, हम लोगों का यही इच्छा है कि और भी निरंतर आपको सुनते रहें, लेकिन हम सभी समय सीमा में बंधे हुए हैं। और हम सबके साथ एक और वरिष्ठ वयोवृद्ध विश्वविख्यात सितार वादक पंडित मणिलाल नाग जी एवं उनकी सुयोग सुपुत्री विदुषी बीता नाग जी हम सभी के साथ जुड़ चुकी हैं। तो इसलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विभागाध्यक्ष मैडम से आग्रह करती हूँ कि वे कृपया उपस्थित हों और पंडित जी के सम्मान में एक सम्मान पत्र का वाचन करें। प्रोफेसर संगीता सिंघना, तब तक मैं मेरा प्रणाम मणिलाल जी को, पंडित मणिलाल नाग जी को, पंडित अरविंद पारिक जी को,
इंद्रानी जी को, देबू चौधरी साहब को, जो भी हैं सीनियर हमसे, सबको प्रणाम और आप सबको शुभेच्छा। जी संगीता जी। जी गुरु जी, ये बहुत ही आज हर्ष का विषय, बहुत सारे चीजें क्लियर हुए हैं, स्टूडेंट को भी समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि अब समय आ गया, हर चीज प्योर हो रहा है सर, और अब जितने विद्यार्थी हैं इनको भी समझ में आएगा कि हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, घरानेदार तालीम क्या होता है, सदगुरु क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीजें सर बहुत ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो मैं बहुत ऋणी हूँ, मैं वाद्य विभाग की तरफ से बहुत ऋणी हूँ कि आपने हमारे जो निवेदन को स्वीकार किया सर, ये बहुत बड़ी अनमोल रत्न जो मुख से निकली हुई है, ये निश्चित ये बहुत हृदय तक अंदर जा रहा है हमारे विद्यार्थियों को। तो वाद्य विभाग की तरफ से सर मैं ये प्रेम है सर, मैं वाचन कर रही हूँ, आप लोगों को मैं क्या दे पाऊंगी, कुछ देने के लिए है ही नहीं, खुद ही इतने धनी है सर, हर तरह से समृद्ध आपको माँ भगवती सरस्वती माँ ने बनाया है, मैं बस प्रेम, ये आप प्रेम स्वीकार करिए सर, ये वाचन कर रही हूँ, इसको स्वीकार करिए, मैं वाद्य विभाग की ओर से सम्मान पत्र वाचन कर रही हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय 5-7 सितंबर 2020 तक आयोजित भारतीय संगीत में घराने की समृद्ध परंपरा में प्रख्यात संगीतविद, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित नयन घोष जी द्वारा सितार एवं तबला वादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान एवं अनवरत ज्ञानवर्धन से जो संगीत साधना का मूल सुधी समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है, वह संगीत जगत में वंदनीय है। संगीत के क्षेत्र में आपके महनीय योगदान के लिए वाद्य विभाग आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है। हम आपके सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और आपके श्री चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं गुरु जी। जी प्रणाम, आप सबको धन्यवाद और नमस्कार। मैं, मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, आखिर में मैं समाप्त करना चाहूंगा इतना कह के, हमारे पंडित मनीलाल नाग जी जो यहाँ बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ उनको, एक छोटा सा किस्सा कहूंगा। आपने सबने उस्ताद अल्लादिया खान साहब का नाम सुना, केसर बाई के गुरु जो थे, उनके साथ मेरे पिताजी जब मिलने गए थे, मेरे पिताजी काफी नौजवान थे, मैं खास करके विष्णुपुर घराने के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो अल्लादिया खान साहब ने पूछा क्या नाम है, मेरे पिताजी ने कहा निखिल घोष। अच्छा बंगाल के हो, क्या करते हो, मेरे पिताजी ने कहा तबला बजाता हूँ। अरे उन्होंने कहा बंगाली होके तबला बजाते हो, तो मेरे पिताजी को दुख हुआ पहले, उन्होंने सोचा अरे ये कौन सी गलती की मैंने, तबला बजा के कोई मुझसे कोई गलती हुई, तो सोचा ऐसे। फिर पिताजी ने उनसे पूछा खां साहब क्यों तबला बजाना कोई गलत काम है, मैं बंगाली हूं। बोले अरे नहीं बेटा तुम गलत समझे, बंगाल के हो, बोलो बंगाल में ध्रुपद और पखावज का इतना चलन था कि हम लोग जब छोटे थे हम मीलों चल के जाते थे हम लोग बंगाल में ध्रुपद और पखावज सुनने के लिए, तो इतना बड़ा परंपरा विष्णुपुर वगैरह वहां है। बोले वहां के बंगाल के होके तुम तबला क्यों बजाते हो, इसलिए मैंने पूछा मुझे पखावज क्यों नहीं बजाते हो, ये उनका मतलब था। तो विष्णुपुर घराना एक प्राचीन घराना, बहुत बड़ा घराना और बहुत मतलब विष्णुपुर घराने के जितने नुमाइंदे प्रतिनिधि थे इन लोगों ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया ध्रुपद धमार को, सितार सुर बहार को भी, और आज हमारे सामने मनीलाल नाग जी बैठे हैं, ये बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं, आज उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज का अवसर। थैंक यू, धन्यवाद जी। पंडित जी 2 मिनट का समय और हम आपसे लेंगे इस सत्र के समापन के लिए। मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ संगीत एवं मंच कला संकाय के वाद्य विभाग के
आचार्य डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्र जी को कि वे आए तथा पंडित जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रणाम पंडित जी। सर्वप्रथम उपस्थित सभी विद्वानों को हम अपना चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं और पंडित नयन घोष जी जो दादा आज हमारे बीच रहे और हम सभी को अपना ज्ञानवर्धक अनुभव से अभिसिंचित किया, हम सभी इससे काफ़ी लाभान्वित हुए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप हमारे बीच आए और हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप काफ़ी कुछ बताया। और दादा का तो अधिकार सितार में भी वैसे ही, तबले में भी वैसे ही, हम सोच रहे थे कि बोले तो बोले, क्या बोले दादा के बारे में। बहुत पहले की बात है, हम 20 साल 22 साल पहले जब स्विट्जरलैंड जाते थे जिनेवा में, तो दादा वहाँ आया करते थे, पॉल ग्रांट वहाँ पे थे, वो दादा को बुलाते थे, तो हम काफ़ी नाम सुने थे, हालांकि हम सुन नहीं पाए थे। अभी कुछ दिनों पहले ऑनलाइन एक प्रोग्राम हमने बिहार का सुना दादा का, बहुत ही अच्छा लगा हमें, बड़ा मीठा और बड़ा सदा हुआ सितार बजाते हैं दादा। हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब हम सभी को इतना लाभान्वित किए और ज्ञान अपने ज्ञान से लाभान्वित किए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि दादा पंडित मणिलाल नाग जी अभी हमारे बीच हैं तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, दादा जो भी गलती हुई हो क्षमा करिएगा और हम सभी को आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार दादा, प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद सर। और इसी के साथ अब हम पंडित जी से आज्ञा लेते हुए अब आगे का कार्यक्रम हम अपने अगले सत्र में प्रवेश करते हुए प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे द्वितीय सत्र के मुख्य विद्वत वक्ता जन हैं विश्व विख्यात सितार वादक पंडित मणिलाल नाग जी। उनके साथ उपस्थित हैं उनकी सुयोग्य सुपुत्री विदुषी मीता नाथ जी। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के पूर्व मैं परंपरानुसार सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ वाद्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं इस व्याख्यान श्रृंखला की संयोजिका प्रोफेसर संगीता सिंह मैम को। कृपया आप हम सब के समक्ष उपस्थित हों तथा पंडित मणिलाल नाग जी एवं विदुषी मीता नाग जी का स्वागत कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रोफेसर संगीता सिंह मैम। हेलो, गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इतने विद्वत जन का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। पद्मश्री से सम्मानित पंडित मणिलाल नाग जी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही उनकी सुयोग पुत्री विदुषी मीता दीदी का भी मैं बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज निश्चित ही हमें बहुत ही अनमोल रत्न प्राप्त होने वाले हैं सितार के क्षेत्र में, तो मैं अधिक समय न गवाते हुए मैं चाहूंगी कि ये सत्र तुरंत शुरू किया जाए। तो मैं पुनः स्वागत करते हुए पुनः मैं अंजलि जी से कहूंगी कि आप इसको तुरंत ही संचालित करें। मैं धन्यवाद करती हूँ। अंजलि जी शुरुआत करिए। धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम का प्रारंभ करने के पूर्व चूंकि अपने विद्यार्थियों को आज के उपस्थित विद्वत वक्ता जन के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। हालांकि आपके बारे में कुछ भी कहा जाए वो बहुत ही कम है और
मेरी कहने की क्षमता नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ आपके व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डाल सकूं, और हमारे जो विद्यार्थीगण हैं जो अभी नवीन हैं और संगीत के क्षेत्र में नव आगंतुक हैं, वो आपके व्यक्तित्व से परिचित हो सके। पंडित मणिलाल नाग जी, पद्मश्री अवार्डी 2020। पंडित मणिलाल नाग इज बोर्न इन बांकुरा एंड वाज टॉट टू प्ले सितार बाय हिज फादर संगीताचार्य गोकुल नाग ऑफ द एंसिएंट विष्णुपुर घराना ऑफ बंगाल। ही मेड हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस in the All India Music Conference of 1953, accompanied by Pandit Anokhe Lal Mishra on tabla. He has performed many times in the National Program of Music and Akashvani Sangeet Sammelan since 1954. His musical career spans 6 decades. He has performed innumerable concerts throughout India and in the UK, Europe, Canada, US, Australia, Japan, as the foremost sitarist representing the Vishnupur Gharana of Bengal. He has been accompanied several times by legendary tabla maestro like Pandit Kishan Maharaj, Pandit Samta Prasad, Pandit Kanai Datta, etc. He was invited to the United States and other European countries through the ICCR in the year 1973. In 1979, he was also invited to Australia by the Government of India as the delegate for participation in the Indian Ocean Art Festival to mark the 150th anniversary of the Government of Australia. Pandit Manilal Nag was attached to the Instrumental Music Division of the IITC Sangeet Research Academy from 2005 to 2011. Today, we also welcome to her daughter and a very famous sitar player, Vidushi Meeta Nag ji. Meeta Nag ji, daughter of sitarist Pandit Manilal Nag ji and granddaughter of Sangeet Acharya Gokul Nag ji, belong to the Vishnupur Gharana of Bengal, a school of music nearly 300 years old. Meeta Nag ji is a 6th generation sitar player in her family, the tradition having begun with her forefather. It was with her grandfather Gokul Nag ji who had become the guru of Birendra Kishore Roy Chaudhary, Jamindar of Gauripur State, Kolkata, also a noted musicologist and author of book on music, then guru of the family of Nirmal Chandra Bandyopadhyay, a noted zamindar, family of Uttarpara, a northern suburb town of Kolkata, that the music of the Nag family come into limelight with her illustrious father Manilal Nag. The sitar tradition of Vishnupur Gharana was made known to the world. The gharana follows the Dhrupad style of song and the instrumental recital too imitates the Dhrupad style in the alap and jor phase. Vidushi Meeta Nag was initiated into music at the tender age of 4. She had shown rather early gesture
of her love for music, toting with her tiny sitar, Meeta Nagji begins her early training under the guidance of her mother, who was also a disciple of Gokul Nagji. Her grandfather's encourage and instruction through singing had much influence on her early reception of music, most noticeably associating the instrument with song. Her tutelage under her father started at the age of 6. Vidushi Meeta Nagji has performed in a number of concerts solo as well as duet recital with her father in major cities of India and in many cities of US, Canada, Japan and Europe. She was awarded the Junior Fellowship Award by the Human Resource Development Government of India for her research project on Vishnupur Gharana. As a soloist, Meeta Ji has been performed in numerous cities of the country and has participated in famous Sangeet festivals such as the Doverlin Young Talent, the Doverlin Music Conferences 2013, and many more like Salt Lake Music Festival, Sangeet Pyasi Kolkata, Khyal Trust, Dagar Matunga Swar, Yatra in Mumbai, Darbar Festival, London in 2015, and many more other in a prestigious stage in India and also in abroad. Vidushi Meeta Ji has founded the Gokul Nag Memorial Foundation, a trust for the promotion of Indian classical music in the fond memory of her grandfather, Sangeetacharya Gokul Nag. Meeta Nagji is a master in English literature and MPhil in English from the University Kolkata. Aaj hum sabhi ke samaksh aaj Pandit Manilal Nagji evam unki suputri Meeta Nagji upasthit hain. Aapka hardik swagat hai aur zyada samay na lete hue मैं आमंत्रित करती हूं पंडित जी को एवं उनकी सुपुत्री मीता नाग जी को कि आप हमारे समक्ष आए तथा अपने अनुभवों को हम सभी के साथ साझा करें। नमस्कार। पिताजी साथ में है, आप थोड़ा सा बताइए क्या मुझे आप सुन सकते हैं क्या? जी 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 मैम। ठीक है, तो अभी उम्र के लिए और पिताजी का थोड़ा तो बोन फ्रैक्चर हो गया था मार्च में, तो इसीलिए पिताजी का तबीयत अभी तो थोड़ा दुबला है, तो पिताजी को सम्मति लेके मैं आज ये सेशन में जो कुछ बताना है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और पहले मैं पिताजी को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी को पिताजी अपना शुभकामनाएं भेजेंगे। और सबको कैमरा एक तो उन्हीं मोनिका का, हाँ हाँ ठीक है, बस बस ना तुम म्यूट कर दो। आप सब लोग को हम शुभेच्छा दे रहे हैं, नमस्कार। वॉइस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए, तो सभी वरिष्ठ कलाकार लोगों को, सभी बुजुर्ग लोगों को, संगीत प्रेमियों, इंटरनेट पर दर्शकों को और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सभी अध्यक्ष वर्ग और सभी अध्यापक वृंद,
अध्यक्ष जी और सभी स्टूडेंट्स लोग, संगीता जी, श्रद्धेय आचार्य प्रेम किशोर जी और ऑडियंस में जितने सारे वरिष्ठ कलाकार लोग हैं, सभी को मेरा शत शत नमन और स्टूडेंट्स लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले तो काफी समय तो कम है, तो मैं संक्षिप्त बोलने का कोशिश करती हूँ और मैं भी हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर कोई गलत हो जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा मिला के मैं विष्णुपुर के बारे में आपको मैं कुछ कहना की कोशिश करूंगी। तो बचपन में मैं जब 14 साल उम्र की थी तो मेरा दादाजी चले गए। तो दादाजी को मैं बचपन से देखा, दादाजी संगीताचार्य गोकुलनाथ, दादाजी सभी टाइम दादाजी एक नाद, गले में एक नाद का आवाज करते रहते थे, बैठ के सो के जब घूमते थे गाते थे। और पड़ोसी लोग जब दादाजी चलते थे तो सब लोगों सुनते थे दादाजी गाना गाते हैं। तो दादाजी बहुत सीधा साधा आदमी थे। दादाजी संगीताचार्य गोकुलनाग के गुरु थे विष्णुपुर घराने का आचार्य राम विष्णु बंदोपाध्याय, जिनके पिताजी थे विष्णुपुर का संगीत केसरी कहा जाता था, आचार्य अनंतलाल बंदोपाध्याय। तो विष्णुपुर में क्या था, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही प्राचीन नगर है। इधर जितने सारे शिक्षार्थी हैं तो मैं उनके लिए पहले थोड़ा विष्णुपुर नगर का थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ कि ये नगर का प्राचीन संस्कृति कैसा था, नहीं तो विष्णुपुर का जो गायन वादन इसके बारे में आपका जानकारी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो विष्णुपुर है विश्व भारती शांति निकेतन के पश्चिम में स्थित, ट्रेन में 2 घंटे की। ये भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण का नगर है क्योंकि इधर कृष्ण जी का बहुत सारे मंदिर है। लगभग 17वीं शताब्दी में यह घराना स्थापित किया गया था। उसी समय में मुगल बादशाह औरंगजेब के दौरान मुगल साम्राज्य में इस्लामी कट्टरता अपने चरम पर थी। तब कई संगीतकार भिन्न भिन्न महाराजा के दरबार में भागना शुरू किए। तो तानसेन की बेटी पर पौती के वंशज बहादुर सेन विष्णुपुर होके पूरी जा रहे थे। तो विष्णुपुर के महाराजा तब थे मल्लराज रघुनाथ सिंह दीजी। वो बहादुर सेन जी को अपने दरबार में आमंत्रित किए और विष्णुपुर में रहने के लिए अनुरोध किए। रघुनाथ सिंह यह भी घोषणा की कि मधुर आवाज और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति बहादुर खां से बिना शुल्क से सीख सकता है और महाराजा गरीब छात्रों के लिए बिना पारिश्रमिक में बहादुर सेन के पास उनके सीखने का बंदोबस्त भी कर दिए थे। तो बहादुर सेन न केवल गायक ध्रुपद गायक थे बल्कि रुद्रवीणा, रवाब, सुरसिंगर जैसे वाद्यों पर भी उनकी बहुत निपुणता थी। तो विष्णुपुर का जो संगीत शिक्षार्थी थे वो बहादुर सेन के पास वो सीखना शुरू किया और उसके बाद गायन के साथ वाद्य यंत्रों का भी तालीम लेने की शुरू। तो विष्णुपुर का जो पहला गुरु का आदि गुरु
जो थे उनका नाम है आचार्य राम शंकर भट्टाचार्य और संगीताचार्य गदाधर चक्रवर्ती। तो ये दोनों हैं विष्णुपुर के आदि गुरु। विष्णुपुर के बारे में बोलने का बहुत कुछ है क्योंकि इधर इस नगर में विष्णुपुर नगर में जितने मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण का नाम में है, जैसे श्याम राय जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर और काला चांद का मंदिर, राधे श्याम जी का मंदिर। और उस जमाना में क्या होता था, विष्णुपुर बंगाल का विष्णुपुर कल्चरल कैपिटल बन गया। जितने सारे संगीत का कलाकार वो वृंदावन में थे, द्वारका में थे, मथुरा में थे, वो लोग पूरे जाने का समय वो विष्णुपुर पर रुकते थे। और इधर कीर्तन संगीत भी होता था, कीर्तन का एक चलन था और कीर्तन ध्रुपद शैली में कीर्तन गाना गाते थे। और ये जो कीर्तन गाना है इसमें ध्रुपद का प्रभाव आया जयदेव का गीत गोविंद से। ऐसा विष्णुपुर में गायन और वादन का दोनों का शैली शुरू हुआ। वादन में वीणा रुद्रवीणा, सुरबहार, एसराज, सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्र, जैसे मृदंग, पखवाज, तबला और नैस तरंग, काष्ठ तरंग, बैंजो, सुर श्रृंगार, ये सब का प्रचलन था, ये सब वाद्य यंत्रों का प्रचलन था। तो अभी इधर का सभी संगीतकार गायन के साथ वाद्य यंत्रों भी सीखते थे। और विष्णुपुर का सितार वादकों में जो पहला नाम हम मिलते हैं वो है संगीताचार्य मधु भट्ट। मधु भट्ट प्रसिद्ध जदू भट्ट के पिता। और मधु भट्ट सितार सीखे थे काशी की कोई पंडित जी के पास जो एनोनिमस है, उनका नाम हम किताब में नहीं मिले हैं। तो अब विष्णुपुर का जो गुरु आचार्य राधिका प्रसाद गोस्वामी, आचार्य ज्ञानेंद्र प्रसाद गोस्वामी, ये सब बड़े बड़े ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद के साथ साथ विष्णुपुर में जब इस्लाम का इन्फ्लुएंस आया तब ख्याल गाना भी शुरू हुआ। और ये घराना के वैशिष्ट है, प्रधान वैशिष्ट है कि ये बहुत कुछ एसिमिलेशन अलग अलग घराने से किया गया इधर, जैसे बेतिया घराना से, जैसे रामपुर घराना से, लखनऊ घराना से। सो बहुत सारे घराना का प्रभाव मिलके विष्णुपुर में एक अपना एक ओरिजिनल शैली का उत्पत्ति हुआ। तो सितार के बारे में अब मैं बताना चाहती हूँ। तो सितार वादन में विष्णुपुर का सुप्रसिद्ध कलाकार थे संगीताचार्य अनंतलाल बंदोपाध्याय, 1832 से 1896। उनके तीन पुत्र संगीताचार्य रामप्रसन्न बंदोपाध्याय 1871 से 1929, संगीताचार्य गोपेश्वर बंदोपाध्याय 1880 से 1963, संगीताचार्य सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय 1886 से 1972। पंकज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो जब ये विष्णुपुर का जितने गुरुवां थे
they all, in a later stage, they all migrated to Kolkata. क्योंकि उसी समय में कोलकाता में संगीत का बहुत प्रचलन हुआ. राजा शौरिंद्र मोहन टैगोर, राजा जतेंद्र मोहन टैगोर, प्रिंस द्वारकनाथ टैगोर, उनके पैट्रनाइजेशन और विष्णुपुर के जितने गुरु थे, राधिका प्रसाद गोस्वामी जी, विष्णु चक्रवर्ती जी, जदु भट्ट, वो गुरु सब आके वो टैगोर फैमिली में और सर शौरिंद्र मोहन टैगोर का जो पैलेस, जो जमींदार था, उधर वो लोग संगीत चर्चा और प्रशिक्षण देने शुरू किए. तो मेरा दादाजी संगीताचार्य राम प्रसन्न बंदोपाध्याय के पास सुरबहार, रुद्रवीणा और सितार सब सीखे थे और ध्रुपद गाना भी सीखे. बचपन में वो बांकुड़ा टाउन में दादाजी थे, क्योंकि हमारा ओरिजिनल टाउन है बांकुड़ा. उधर से दादाजी बाद में उत्तरपाड़ा आए थे. तब उत्तरपाड़ा को जो जमींदार थे आचार्य, उत्तरपाड़ा का जमींदार थे निर्मल बंदोपाध्याय, और उसके पहले चाचर में दादाजी संगीत शिक्षक थे. चाचर का राज परिवार में दादाजी संगीत शिक्षक थे. तो दादाजी उसी समय में कोलकाता में और उत्तरपाड़ा में बहुत संगीत का एक महल था, जो आप तो नयंदा के पास और अरविंद अंकल के पास आप सब कुछ तो आप सुने होंगे. तो ध्रुपद चर्चा का भी एक बहुत बड़ा महल था. तो उत्तरपाड़ा में क्या था, तब उत्तरपाड़ा में उदय शंकर जी आते थे उनके जो डांस ट्रूप लेके, और साथ में पंडित रविशंकर जी भी आते थे. तब उनका उम्र था क्या 12-13 साल, और दादाजी से मिले भी थे. तो दादाजी उत्तरपाड़ा में सिखाने के बाद कोलकाता आए थे, और तब दादाजी ऑल इंडिया रेडियो में गाना के साथ सितार भी परफॉर्म करते थे. और बनारस के बारे में मैं बताऊं कि बनारस के साथ मेरा पिताजी का और दादाजी का एक बहुत प्यारा संबंध है अभी तक है, क्योंकि मेरा पिताजी का 3 मौसी का शादी बनारस में हुआ. तो इसी संबंध के लिए बचपन से पिताजी बनारस जाते थे, और उसी समय पिताजी आपको पता है कि पिताजी का उम्र जब 14 साल था, तब पिताजी पहली बार ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पहली बार अपना सितार वादन पेश किया था. तब पिताजी के साथ तबले पर पंडित अनोखेलाल मिश्र ने संगत किए थे. तो ये तो है कि एक 15 साल उम्र का एक लड़का के साथ पंडित अनोखेलाल मिश्र जैसे कलाकार बजा रहे हैं, तो पिताजी के लिए तो तब तो ये बहुत आश्चर्य, बहुत गौरव की बात. तो उसके बाद तो आपको तो पता है पिताजी बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में बजाए. तो मैं ज्यादा ये इतिहास में नहीं कहूंगी. अब मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहती हूँ कि मेरा जो दादाजी है, दादाजी का जो म्यूजिक, दादाजी का सितार मैं थोड़ा अभी आपको सुनाती हूँ. देखिए, ये दादाजी का एक अलग या बिलावल है, मैं आपको सुनाती हूँ. Allah 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 Allah
मैं थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। तबले पर उस्ताद रहमतुल्लाह खान साहब संगत कर रहे हैं। तो ये देखिए जो बहुत सीधा सीधा गतकारी है, मसीद खानी गत मेलोडियस है, फिर बहुत सीधा गत है। और जैसा नयंदा ने बताया, ये गत मसीद खानी गत विष्णुपुर का मसीद खानी गत तो एक ही है, फिर थोड़ा काफी मीड़ का प्रयोग है। बारह मात्रा से हम ऐसे बजाते हैं, डरा डरा डा 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 तो ऐसे हम जो बारह मात्रा में डर डा ऐसे हम मीड़ बजाते, स्टाइल है। तो और समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णुपुर का आला पद्धति है, ध्रुपद गायन को हम फॉलो करते हैं। तो आला पार्ट में जब हम सितार या सुबह जो कुछ बजाते हैं तो कैसा आला कैसे होना चाहिए, ये मैं थोड़ा भैरव राग में मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ। तो मैं सभी वरिष्ठ कलाकार से आज्ञा लेके मैं पेश करती हूँ, क्योंकि आपसे मैं बहुत ही कनिष्ठ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, तो मैं कोशिश करती Thank you.
तो हमारा सितार है खरच पंचम सितार, इसमें त्रि सप्तक और आधा सप्तक, साढ़े तीन सप्तक हम मिलते हैं। चिखारी का आवाज बहुत कम ही होना चाहिए, बहुत सुरेला और कम होना चाहिए। ज्यादा मत करना ध्रुपद स्टाइल में। फिर आजकल क्या होता है, आजकल तो ज्यादा अलंकार इतना जनप्रिय हो गया है कि जब हम स्टेज पर बजाते हैं तो लोग समझते हैं तो मैं मुड़की मैं ज्यादा अलंकार नहीं प्रयोग की तो मैं अच्छा नहीं बजाती हूँ। तो बात तो ये नहीं है, क्योंकि मैं तो प्योरिटी और ट्रेडिशन को तो फॉलो करना चाहिए, इसलिए तो प्योरिटी मेंटेन करना होगा। तो कुछ कुछ तो भी वर्जन करना है तो वादन शैली में, और कुछ कुछ को भी जोड़ना है तो ये याद रखना है। है उसके बाद है जोड़ंग, जैसे Thank you.
आगे बढ़ाने के बाद है गमक और बोल। तो विष्णुपुर में कुछ कुछ बोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कोशिश करूंगी थोड़ा ये जो है, हाँ एक बोल है धीरे 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 डारा डा डारा डा डारा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं तो आगे बढ़ूंगी। हम लोग भी अभी यही जानना चाह रहे थे कि विष्णुपुर घराने में जो तालीम दी जाती है उसकी कोई विशेष, कोई अलग विशेष तालीम है, और उसकी बजाइकी में क्या अलग विशेषता? और बजाइकी अलग विशेषता मैं तो बताती हूँ। पहले तो दिखाया जो ध्रुपद का, ध्रुपद शैली का जो आलाप और आलाप का जो प्रोग्रेस। एक बात मैं बताऊंगी कि मैहार और विष्णुपुर का स्टाइल बहुत एक है, बहुत, क्योंकि जब मैहार में बाबा अलाउद्दीन तो मैहार में आए और उनका जो रॉयल कोर्ट में बाबा अलाउद्दीन तो उधर तो रह गए थे, तो बाबा अलाउद्दीन पश्चिम बंगाल में थे, और तब पश्चिम बंगाल में जो ध्रुपद गायन और ध्रुपद वादन शैली का प्रभाव था, और इधर क्या लखनऊ घराना से हाँ गुलाम मोहम्मद शाह और सज्जाद मोहम्मद उनके जो बेटा वो भी आए थे, और वो मेटिया बुरुज में थे, उधर से जो बीनकार का स्टाइल विष्णुपुर का गुरु थे नीलमाधव चक्रवर्ती, नीलमाधव चक्रवर्ती और बाबा अलाउद्दीन वो दोनों ही गुलाम मोहम्मद शाह के पास, सज्जाद मोहम्मद शाह के पास वो बीनकार का जो सुरबहार का स्टाइल सीखा, और सितार में वो सुरबहार का जो प्रभाव वो भी पड़ा। तो देखिए तो बोल है धीरे 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 दारा दा दारा दा दारा धीरे 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 दारा दा दारा दा दारा। बोल अलग अलग बोल लेके हम बोल का एक अंग दिखाते हैं, दा धीरे दा दार दा दारा धीरे 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 दारा दा दारा दा दारा दारा दा दारा दा दारा दा दारा दा धीरे धीरे। और लेफ्ट हैंड में आलाप का काम होगा और राइट हैंड में बोल का काम होगा। ये एक विशेषता है कि जब राइट हैंड में हम जब डान हाथ का काम दिखाएंगे तो राइट हैंड में बोल का काम होगा और लेफ्ट हैंड में आलाप जैसे वो बजेगा। अभी देखिए बोल के साथ मीड गमक का काम भी जुड़ गया, सो बोल गमक मीड सब एक साथ अभी होगा। धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन होता है तो व्हाट वी डू इज वी कंबाइन ऑल फॉर्म गमक बोल उसके साथ पालटा,
सब मिला के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म विष्णुपुर घराना के एक वैशिष्ट है। और उसके बाद जोड़ में भी झाला होता है, जो उलट झाला, जैसे ये जोड़ का अंग है। उलट झाला बजाना तो जोड़ का अंग है। तब अभी अभी क्या होता है, टाइम नहीं मिलते है स्टेज में, तो हम झाला का ये जोड़ के अंग कभी कभी तो हम छोड़ देते हैं और हम अंत में दिखाते हैं जब तबला के साथ हम तो अंतिम जो झाला बजाते हैं। और आप सब लोग पिताजी का झाला को तो आप लोग सब बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि पिताजी जब विष्णुपुर में ओरिजिनली झाला ऐसा नहीं बजता था। ओरिजिनल विष्णुपुर में झाला वीणा जैसे तीन उंगलियां से बजते थे, ऐसे इस तरह तीन उंगलियां से झाला बजते थे। फिर मेरा दादाजी भी तीन उंगलियां से झाला बजाते थे। तो पिताजी का जमाना में दादाजी उस्ताद इनायत खान साहब को सुना और पिताजी को बोला तुमको इस तरफ झाला बजाना चाहिए, फिर लेफ्ट हैंड में आला बजाना चाहिए। तो इसीलिए पिताजी का झाला इतना मेलोडियस लगता है। पिताजी झाला बजाते हैं, झाला का जितने सारे पैटर्न्स राइट हैंड में करते हैं दाहिना हाथ में, तो बाएं हाथ में आला बजता है, मेलोडियस होता है। इसीलिए जैसे होता है झाला का, जाते हैं तीन ताल में, मसीद खानी गत और रेजा खानी गत। तो अब देखिए सितार का जो स्टाइल है उसमें आला पार्ट में है ध्रुपद और सितार में मसीद खानी और रेजा खानी का स्टाइल है। सो मैं जब आपको बताया कि ये एक एसिमिलेटेड स्टाइल है, विष्णुपुर का एक कॉम्प्लेक्स एसिमिलेटेड स्टाइल है और गत बजाते हैं कंपोजिशन से उपज अंग का गत का ज्यादा ही चलन है। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जैसे दादरी दा दादरी दा दादरी दा दा डारा डार डा डा डारा डारा डा दादरी दरी दरी दार दा। ऐसा एक प्राचीन विष्णुपुर का ऐसा गत होता था जिसमें दो आवर्तन का गत, सोम से सम फिर सम से सम, दादिर दा दादिर दा दादिर दा दा अ दारा दार दा दा दारा दारा दा दादिर दिर दिर दार दार दा दादिर दा दादिर दा दादिर दा दा दारा दार दा दा। तो ये तो ताल का स्ट्रक्चर है। अभी अलग अलग राग में ये स्ट्रक्चर पर उपज अंग का गत कलाकार लोग बनाते थे, जैसे Thank you.
और अंतरा संचारी अभोग प्राचीन गत प्राचीन सितार में तो दिर तान का बहुत बहुत इस तरफ का तान होता था। तो और विष्णुपुर का जितना कलाकार उसी जमाना में थे तो वो लोग एक मिनट और एक विशेषता है ये घराने का कि पश्चिम बंगाल में पहली बार संगीत शिक्षा जो स्वरलिपि का प्रचलन हुआ और ये किया था वो भापखंडे जी का पहले से हुआ ये किया था क्षेत्र मोहन गोस्वामी गंडमात्रिक स्वरलिपि नाम से परिचित है उनका जो नोटेशन। टैगोर का जो आकार मात्रिक नोटेशन है वो आकार मात्रिक नोटेशन दंड मात्रिक नोटेशन से ही निकला है और संगीत सितार शिक्षा का जो पुस्तक कुछ किताबें वो भी विष्णुपुर में लिखे गए हैं। वो किताबें का नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे राजा शौरिंद्र मोहन टैगोर का यंत्र क्षेत्र दीपिका, ये बहुत उल्लेखनीय ग्रंथ है क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन निकला था 1878 में कोलकाता का श्यामपुकुर स्ट्रीट से पब्लिश हुआ था और इस पुस्तक में 92 गत की स्वरलिपि निर्गत है। अभी ये पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट है, फिर रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में और विश्व भारती में किसी गुणी आदमी के पास ये किताब का है वो पुस्तक अभी मिलेगा। तो मैं कोशिश की थी वो पुस्तक से कुछ कुछ गतकारी को मैं जाने का कोशिश की। तो ये किताब का सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ 1879 में जिसमें 202 गत की स्वरलिपियां लिखा। वो स्वरलिपियां को अभी तो पढ़ने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो स्वरलिपि अभी ऑब्सोलेट हो गया है। और ये पुस्तक में कई अप्रचलित रागों के वर्णन भी दिया गया, जैसे राग लूम इमली भोपाली, लूम झिंझोटी, सूरत खंबाज, बृहन्नट, राज विजय, मालश्री, अरुण मल्हार। और पश्चिम बंगाल में संगीतकार वो अपने परिभाषा भी प्रवर्तित किए थे, जैसे वीणा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता था परिवादिनी। परिवादिनी एक संस्कृत वर्ड है। तो वीणा जैसे त्रितंत्री सप्ततंत्री जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको कहा जाता था परिवादिनी। मेन स्ट्रिंग को कहा जाता है नायकी तार। उपज को कहा जाता था खुद्र तानिका। तीन ताल गत को कहा जाता था त्रिताला गत और विलंबित तीन ताल को कहा जाता था धीमे तीन ताल। और जो ये जो मूंगा का जो तार है, जो तार जो स्ट्रिंग थ्रेड है सूता है जिससे हम फ्रेट को बांध जोड़ते हैं इसको कहा जाता था आटक। तो आप देखिए तो विष्णुपुर का जितने संगीतकार और जितने गुणीजनों थे वो स्कॉलर्स भी थे क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि वो जो जो सीख रहे हैं वो जो जो डिफरेंट अलग अलग घराना से वो जो बजा रहे हैं उसको कलेक्शन करके और अपना किताब में वो लिख के रखे हैं। और ऐसा दोनों किताब को आज मैं मेंशन करूंगी, एक है संगीत मंजरी और एक है संगीत चंद्रिका। और मेरा आशा है कि समटाइम्स कभी ये हिंदी में अनुवाद होना संभव होगा क्योंकि तब सारा भारत में जितने सारे बंदिश है और जितने सारे गाना है इसमें निबद्ध है तो आपको मालूम होंगे। अभी ये बंगला में है तो इसको
हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत आवश्यक है ये मुझे लगा, तो इसलिए मैं ये दोनों ग्रंथ की मेंशन आपसे किया। संगीत मंजरी जो आचार्य रामप्रसन्न बंदोपाध्याय ने लिखा, और संगीत चंद्रिका जो संगीताचार्य गोपेश्वर बंदोपाध्याय ने लिखा। और ध्रुपद गायन का दुनिया में भी आप जाने हैं आचार्य सत्यकिंकर बंदोपाध्याय, आचार्य राधिका प्रसाद गोस्वामी, आचार्य गोपेश्वर बंदोपाध्याय, ये बहुत बहुत कला बड़े कलाकार थे। और आचार्य सत्यकिंकर बाबू ने एक मेरा पास एक इंफॉर्मेशन में आपको मैं देना चाहती हूँ कि 1921 में जब प्रिंस एडवर्ड भारत आए थे तो 6 मौसम के लिए 6 रागों के प्रदर्शन के लिए 6 कलाकारों को चुना गया था। तो उनमें से 3 कलाकार थे विष्णुपुर घराने के, गोपेश्वर बंदोपाध्याय, सत्यकिंकर बंदोपाध्याय और क्षेत्रमोहन गोस्वामी। 1921 या 22 में वाराणसी में एक संगीत सम्मेलन हुआ जहां सत्यकिंकर बंदोपाध्याय सितार बजाया और उस्ताद इनायत खां के सखा साहब के साथ पहला स्थान में खड़े थे। वो सितार का एक कंपटीशन हुआ था। और 1928 तक संगीताचार्य रामप्रसन्न बंदोपाध्याय देश के बहुत अग्रणी सुरबहार और सितार कलाकार थे। ये सब है मैं मेमोयर्स ऑफ सरोजिनी नायडू एंड प्रमथनाथ चौधरी और जितने सारे प्राचीन जो ऑथेंटिक टेक्स्ट विमलाकांत राय चौधरी का भारतीय संगीत कोश, ये सारे पुस्तक सारे किताबें हैं। वो किताबें में विष्णुपुर घराने के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। फिर ये किताब जो है ये पश्चिम बंगाल का बांग्ला लैंग्वेज में है। बात यही है कि इसको ट्रांसलेशन होना बहुत जरूरी है, हिंदी में इसको ट्रांसलेशन होना बहुत जरूरी है, तब आप लोग सब आपको जानकारी भी होगा कि विष्णुपुर घराने में क्या क्या था और कितने सारे चीज थे। तो यही मैं बताना, तो आज तो अभी तो बहुत देर हो गया, तो मैं अभी चाहूंगी कि मैं आपको पिताजी का एक सितार रिकॉर्डिंग मैं सुनाना चाहती हूँ। तो ये राग बिलाशखानी तोड़ी है, तो आप सुनिए और इसके साथ ही मैं तो अपना जो सेशन में Thank you.
और थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, आप तबला सुनिए, पंडित महापुरुष मिश्र जी है तबला में। बनारस के बारे में और पिताजी जब बचपन में बनारस जाते थे तो उसी समय में मोस्ट रिस्पेक्टेड रिवियर्ड पंडित किशन महाराज जी और पंडित शांता प्रसाद जी, वो बहुत पिताजी को प्यार करते थे। और मैं क्या कहूँ, पिताजी का मेंटर तो पंडित किशन महाराज जी ही थे, क्योंकि बचपन से पंडित जी पिताजी को इतना प्यार करते थे कि हमने भी देखे हैं कि हम घर में बैठे हैं तो पंडित जी का फोन आ रहा है। बाबा तभी तो प्रोग्राम के लिए बोला, ठीक है महाराज जी मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। और बाबा तो सारे प्रोग्राम्स में पंडित जी ले जाते थे। और उसी उम्र में मैं भी कभी कभी पिताजी के साथ उनके घर बहुत बचपन में मैं गई थी, और वो सब अभी याद आ रहा है। और एक बात है, 2005 में सप्तक में मेरा एक बहुत सौभाग्य है कि मैं एक ही बार, पहली बार और आखिरी बार, तो जब सप्तक में पिताजी के साथ मेरा तो परफॉर्मेंस था तो पंडित जी मैंने हमारे साथ संगत किए थे। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्लेस्ड मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड मैं हमेशा याद करती हूँ ये मेमोरी। मेरे पास तो एक बहुत प्रेशियस मेमोरी है। तो आपको ये भी मालूम है कि टैगोर, पोएट टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर,
विष्णुपुर घराना से सीखे थे, जदु भट्ट राधिका प्रसाद गोस्वामी के पास, और सुरेन बाबू संगीताचार्य सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय टैगोर का एक आखिरी दोस्त थे। और टैगोर का सभी गाना, वो विष्णुपुर का बहुत ध्रुपद, वो ध्रुपद को डीकंस्ट्रक्ट करके टैगोर ने अपना गाना लिखे थे। और उस गाने का जो स्वरलिपि था, वो स्वरलिपि ने सुरेन बाबू किए थे। सुरेन बंदोपाध्याय रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत सारे गाना का स्वरलिपि किए थे और बहुत ध्रुपद गाना भी है, कंपोजिशंस भी है गाने का। और सितार का बाज में तो भूपज अंग का प्रभाव ज्यादा है। तो और कुछ आपका प्रश्न है तो आप मुझे कर सकते हैं। पिताजी के बारे आप कुछ जानना चाहते हैं, विष्णुपुर के बारे और कुछ आपका प्रश्न है तो आप बताइए। मैडम, जैसा कि अभी एक जिज्ञासा मन में आई, विद्यार्थियों के भी मन में जिज्ञासा आ रही है कि आपके सितार में जो कोमल ऋषभ का पर्दा लगा हुआ है, तो अपने वाद्य के बारे में क्या ये मतलब एक आपके घराने में ऐसी कुछ सितार के बनावट में, उनके पर्दों के स्थापना में कुछ विशेषता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे? नहीं, सितार के बनावट में ये कोई विशेषता नहीं है, फिर ये पिताजी की विशेषता है, क्योंकि पिताजी जब राग मिश्र भैरवी बजाते थे और जब उसमें से क्या है, देखिए इसमें हम, मैं दिखाती हूँ क्या है। कभी कभी हम हारमोनी का प्रयोग करते हैं, हमारे जब हम बजाते हैं तो हारमोनी का प्रयोग करने से, देखिए कोमल ऋषभ से हम जो मेन स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग का हम धैवत भी हम बजा सकते हैं, जो मिडिल स्ट्रिंग का, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मेरा दादाजी का सितार क्रोमैटिक स्केल का था। क्रोमैटिक स्केल का मतलब है उसमें बिना जैसे सब फ्रेट्स था। और दादाजी, हाँ दादाजी क्या करते थे, जब ऑर्केस्ट्रा में, उदय शंकर जी का ऑर्केस्ट्रा में जब दादाजी बजाते थे, तो क्रोमैटिक स्केल में एक पर्दा को सा बना के उधर से दादाजी बजा सकते, तो मूर्छना मूर्छना करके कोई पर्दे को सा बना के उधर से दादाजी बजाते थे, ऑर्केस्ट्रा के स्केल के साथ चेंज चेंज करके करके दादाजी इसराज भी बजाते थे और नैस तरंग भी बजाते थे उदय शंकर जी का ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो देखिए ये कोमल रेयर को, ये एक है, और कोमल रे से मिश्र भैरवी बजाने आसान से होता है। इसलिए पर्टिकुलरली ये कुछ राग है जिसमें वो जो हारमोनी प्रयोग के लिए, मिश्र भैरव में तान के लिए, तो बाबा अपने ख्याल से ये कोमल एक्स्ट्रा फ्रेट बाबा ने लगाया और मैंने भी पिताजी के माफिक मैं भी लगाया। और हम ये जो हारमोनी भी बजाते हैं कभी कभी कोमल वे से, हम मिस्टर भैरव और दूसरे दूसरे, क्योंकि फ्रेक्ट का और चेंज करने का आवश्यकता भी नहीं है, इधर भी हम जोड़ सकते हैं, इधर भी हम एक एक्स्ट्रा दैवत फ्रेक्ट भी जोड़ सकते हैं। क्रोमैटिक स्केल में हारमोनियम बिना के माफिक के सितार हम बजा सकते हैं, क्योंकि सितार विष्णुपुर का सितार का पद्धति तो वीणा और सुरबहार से आए हैं।
जी जी मैम। मैम इसके साथ ही हम लोग थोड़ा जानना चाह रहे थे कि विष्णुपुर घराने में जो तानकारी होती है उसकी कोई विशेषता उसका अलग। जी विष्णुपुर में तानकारी का विशेषता है, पहले है हम तानकारी में एक हरा तान, एक हरा तान का मतलब कि एक बोल से एक नोट, एक हरा तान का प्राधान्य है और है त्रिसप्तक तान का भी बहुत प्राधान्यता है। मैं थोड़ा बजा के मैं डेमोंस्ट्रेट करके मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे देखिए पहले, और एक है एक तान का एक स्कैनिंग होता है, जैसे आठ मात्रे को हम कैसे स्कैनिंग करते हैं, डारा 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 नहीं, डारा 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 ऐसा नहीं, डारा 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 ऐसा नहीं, डारा डारा डारा, इसका मतलब है 1 2 1 2 3 4 1 2। और ये पालटा कैसा है, और एक लंबा पालटा को हम थोड़ा 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 छोटा करते हैं, जैसे देखिए तो मैंने क्या बजाया, डारा डाडा राडा डारा 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 डाडा राडा डारा डाडा राडा डारा डाडा राडा डाडा राडा डाडा राडा डा पर जो सेकंड डारा डा डा दोनों डा पर एक साथ एम्फेसिस होना, एक्सेंट होता है। अगर देखिए मैं बजाती हूँ डारा डारा, आप आवाज सुन लीजिए, अभी आवाज सुनिए, ये हम सभी जो बोल है बोल को हम बांटते हैं, स्कैनिंग करते हैं, जैसे है डारा 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 डारा, एक ऐसा बोल कारी है डारा 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 डारा, ये नोट्स जंप करके भी हम बजा सकते हैं। अभ्यास करते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसा करते हैं, और गगर सनि सगम पदा नि सरे गम पम गरे सनि ध पम गरे सनि ध पम गरे सा, मिडिल स्ट्रिंग में होता है। गगरे सगा गगरे सनी नी धपा नी नी धपा गगरे सगा गगरे सनी सा धपा मगरे सा। तार सप्तक से मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक। नी सा रे गा मगरे सनी धपा मगरे सनी धपा पागा नी सा। तो ये सब तो है। और गमक तान, गमक पालटा बोल तीनों को मिला के जैसे देखिए, एक तान में गमक पालटा बोलकारी सब एक साथ होगा,
आप तो पंडित निखिल बैनर्जी को आप तो बहुत सब पसंद करते हैं, तो उनका सितार तान का स्टाइल में ज्यादा उस्ताद विलायत खान साहब का तो है, और ये जो पाल्टा पाल्टा का भी बहुत जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स का पाल्टा भी होता है। तान भी हो सकता है, और जब हम परफॉर्म करते हैं एक बात को याद रखना है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि हर तान में तिहाई आना जरूरी है। तिहाई तो एक सुंदर अलंकार है सभी गायन वादन का, फिर हर तान के अंत में तिहाई आना ही है ऐसा कोई कानून नहीं। तान बहुत किस्म का हो सकता है, छोटा तान भी बहुत मेलोडियस होता है, और गमक तान है, गोल तान है, सपाट तान है। अगर आप तान बजाएंगे तो मेलोडी को याद रखना है। कभी कभी ऐसा तान बजता है कि वो मेलोडी छूट जाता है, याद रखना है राग रूप। राग रूप है हमारा संगीत में इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू मेंटेन द राग रूप whatever you are playing, and even if you play fast in speed, that rag roop should be intact, melody should be there. Nanda jaise bataya ki melody ko rakhna chahiye, ye bahut important hai, kyunki tabla ek alag vadya hai aur sitar israj sarod ye hai different instruments, ye tantra vadya hai, to iske liye rag roop bahut avashyak hai. Taal to hai hi, फिर राग को स्वच्छ रखना ये एक बहुत हमारा बड़ा दायित्व है म्यूजिक में। और ये वैसे भी परंपरा में बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि तिहाई ज्यादा नहीं बजना चाहिए, नहीं के बराबर होना चाहिए। तिहाई ज्यादा नहीं बजाना चाहिए, वो पुराने खासा लोग कहते थे कि वो तमीज के बाहर है ज्यादा तिहाई बजाना। जी हाँ, और आजकल का जो सितार रिसाइटल्स होता है तो उसमें हम देखते हैं कि वो सितार बजता है वो तबला के माफिक सितार बजता है, सितार में तबला बजता है, ये तो नहीं है। तबला तो है अलग, सितार का तो तंत्र वाद्य का तो अलग बोल है, बोलवानी है, तो वो लेके बजाना चाहिए। तबला का तो अलग बोलवानी है, वो तो तबला में ठीक है, संगत के लिए ठीक है, पर सितार में लोगों ज्यादा तबला का चीज बजाने से वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस होता है। ऐसा तो धारणा तो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं, और सितार में ऑलरेडी तोड़े हैं तो तबले की तिहाइयां बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तोड़ा है ऑलरेडी सितार में, तोड़ा
आजकल कम बजता है, बहुत कम बज रहा है, लोग नत पकड़ के सीधे तान में दौड़ते हैं, बीच में तोड़ा भी बजाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो सितार का भाषा है। नयंदा आप मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, हाँ बाबा का सम्मति लेके मेरा अपना जानकारी में जो कुछ है, तो कुछ इसमें गलत हो जाए तो आप बता देंगे, इसलिए मैं आपको भी मैं बहुत बहुत मैं कोशिश। अरे नीता बिल्कुल सवाल ही नहीं आता, बहुत बड़े घराने की हो तुम, और अभी तक जितना सब कुछ बताया ये सब सितारियों के लिए सीखने की बात है, बहुत अच्छी, और जो तानों का रास्ता दिखाया अभी तुमने, वाह, और आलाप ध्रुपद अंग का जो होना चाहिए, मिनिमम खटका मुर्की नहीं के बराबर करके एक सीधा सीधा बजाना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वही तो हमारा गढ़ है, दैट इज द रूट ऑफ आवर म्यूजिक, एंड यू हैव एक्सप्लेन ब्यूटिफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। तो ठीक है जी, और किसी हाँ किसी अलग समय में आप मुझे मौका देंगे तो मैं फिर कोशिश करूंगी और कुछ इलेबोरेट करने का, क्योंकि अभी तो दोपहर हो गया, सभी को तो भूख लगा हुआ, पिताजी को भी लंच लेना है, तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ, तो ठीक है आज तो इतना तक मैं पिताजी का तबीयत अच्छा है, पिताजी तो बहुत मजाक करते थे, बहुत मजादार आदमी भी थे, फिर अभी उम्र के साथ और तबीयत के साथ पिताजी अभी बहुत साइलेंट हो गया है, और हमें इसलिए कभी कभी बहुत दुख भी लगता है, तो फिर क्या करना, ऐसा ही तो चलना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये व्याख्यान रहा, हम सब बहुत ही लाभान्वित है इससे, और सीखने की परंपरा हम सबकी निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। आप सभी गुरुजनों से सुनने का सौभाग्य आज हम सभी को प्राप्त हुआ, और आगे भी निरंतर ऐसा ही प्राप्त होता रहे, हम सभी आपसे यह ऐसा आग्रह करते हैं। आज का दोनों ही सत्र हम लोगों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, और हम इसमें से कही गई एक एक बात हम इसको अपने में आत्मसात करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे ये विश्वास है कि यहाँ जुड़े हुए सभी विद्यार्थी जो मुख्यतः विद्यार्थीगण हैं, जो यहाँ पर संगीत की शिक्षा जो ले रहे हैं, उनको बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और वो आगे भी इसी तरीके से अपने संगीत को जारी रखते हुए आप सभी गुणीजनों के मार्गदर्शन से वो निरंतर अपने पद पर चलते रहे, हम सभी इसको आत्मसात करके और एक निरंतर प्रगति पद पर चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और इसी के साथ आपके हम भी आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि संगीता जी और आपका संगीत विभाग इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट हमें याद किए हैं, हमें बुलाए हैं, और मैं मेरे पास मैं जो कुछ दादाजी पिताजी से मैं जो कुछ सीखा हूँ, जो जो कुछ मैं सुना हूँ, वही मैं आपके पास मैं प्रेजेंट करने का कोशिश की, यही मैं भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप लोग मुझे आमंत्रित किए हैं और ये अपॉर्चुनिटी मुझे आप लोग दिए हैं, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है। मैं आपको साथ सादर प्रणाम मैं करती हूँ आप सभी को, और स्टूडेंट स्कॉलर्स लोग को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजती हूँ। जी जी जी, इसी के साथ मैम हमारी विभागाध्यक्ष महोदया आपके और पंडित जी के सम्मान में एक सम्मान पत्र का वाचन करेंगी, उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वाद्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह मैम। गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम, आज उनके दर्शन हो रहे हैं और वो कितने खुश हैं दिख रहे हैं, और मीता दीदी के लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं, उन्होंने क्या धरोहर को सजा के सवार के चल रही हैं, कि ये बहुत बड़ी चीज आप दीदी कर रही हैं, जो संगीत को आप संरक्षित कर रही हैं,
इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ईश्वर आपको बहुत ही आगे ले जाए, और आप पर जो एक जिम्मेदारी आपको परमात्मा ने भेजा है इस धरती पे निभाने के लिए, आप उसमें सफल हो। आज जिस ढंग का मैंने आपका वादन सुना है, वो अभी गुरु जी ने, अभी पंडित नैन गुरु जी ने आपको इतना आशीर्वाद दे ही दिया, उसके बाद मेरा कोई शब्द नहीं है कि मैं एक एक चीज क्या ओरिजिनल होना चाहिए, और जो हमारी सितार की ओरिजिनल चीजें क्या हैं, हमें कैसे उसको बजाना है, ध्रुपद की सारी जो आलापकारी है उसको आपने कितना सुंदर से प्रस्तुत किया है। और बस ईश्वर करे आप बहुत ही, जो आपके पिताजी की दी हुई सारी धरोहर है, ये शिक्षा रत्न रूपी है, जो हम हमेशा मैं बोलती हूँ, मैंने सीखा है कि ये संगीत शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, साधना है, हमारी माँ सरस्वती की आराधना है, एक एक सुर मंत्र है। जब तक हम मंत्र को ठीक से नहीं करेंगे, जैसे मंत्र अगर बेमंत्र से करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे ढंग से होगा, तो ये मंत्र है। और मैं बहुत दीदी आपके नतमस्तक हूँ, आप बहुत बड़ी हैं, बहुत महान हैं, जो जो आप इस अपनी संस्कृत को, धरोहर को संभाल रही हैं। और मैं अपने डीन सर से ये चाहूंगी कि भविष्य में आपका यहाँ वर्कशॉप हो, क्योंकि बहुत कुछ अनमोल चीज आप में है विष्णु घराने की, जो आपने सब अभी प्रस्तुत किया है। तो मैं संकाय प्रमुख से एक निवेदन करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्वत जन का एक एक बार यहाँ वर्कशॉप होना चाहिए, क्योंकि बहुत खजाना है, और हम लोगों को और हमारे विद्यार्थियों को भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैं पहले पंडित जी के बारे में मैं बहुत प्यार से ये एक सम्मान पत्र पढ़ना चाहूंगी, तो ये स्वीकार करें। दीदी आप सुनिए, और मैं चाहूंगी कि गुरु जी भी सुने ये। गुरु जी है पास में, गुरु जी भी सुनते हैं। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 5-7 सितंबर 2020 तक आयोजित भारतीय संगीत में घरानों की समृद्ध परंपरा में प्रख्यात संगीतविद पद्मश्री पंडित मणिलाल नाग जी द्वारा सितार वादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान एवं अनवरत ज्ञान वर्धन से जो संगीत साधना का मूल सुधि समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है, वह संगीत जगत में वंदनीय है। संगीत के क्षेत्र में आपके महनीय योगदान के लिए वाद्य विभाग आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है। हम आपके सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। साथ ही मैं इतनी सुयोग्य जो पुत्री है मीता दीदी, बहुत प्यारी सच में दीदी, मैं आप मेरे दिल को छू गई हैं, और मैं बहुत नतमस्तक हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और सभी वरिष्ठ और संगीत प्रेमियों को, वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों को मैं फिर शत शत नमन। मेरा आप ये निवेदन स्वीकार करें, मैं आपके लिए भी वाचन कर रही हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 5-7 सितंबर 2020 तक आयोजित भारतीय संगीत में घराने की समृद्ध परंपरा में उभरती हुई सितार साधिका विदुषी मीता नाग ने अपनी परंपराओं के उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से हम सभी संगीत जिज्ञासुओं को अभिसिंचित किया। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित हैं। आपके इस योगदान के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और साथ ही मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी कि जो इतने हमारे लगभग 50 व्याख्यान माला हुए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ये अनमोल रत्न मिले हैं। सभी हमारे जितने भी गुणी जन थे, विद्वत जन थे, जितने भी व्याख्यान हुए हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों को व्यक्त करूंगी। पंडित पद्म भूषण अरविंद पारिक जी को, जो उन्होंने इतना सुंदर सब कुछ दिल खोल के एकदम रत्न उभार दिए, निकाल के दे दिए कि लीजिए सीखिए। सारे स्टूडेंट एकदम इससे बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे शोभित नाहर जी, जो बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न किया गुरु जी से, तो मैं उनको भी बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। और पंडित
हमारे पद्मभूषण देवू चौधरी गुरु जी ने भी हमें सिखाया कि गुरु के प्रति निष्ठा क्या होती है। मैं उनको बहुत ही हृदय से मानती हूँ, क्योंकि 17 पर्दे का सितार बजाना बहुत कठिन है, और जैसे हट योगी नहीं होते, गुरु जी ने जो कह दिया वो भी हट योगी की तरह उस चैलेंज को स्वीकार कर और जीवन भर गुरु की साधना में रहे। मैं ऐसे संत गुरु को बहुत ही प्रणाम करती हूँ, और जो संचालन भी हमारी ऋतु जो हमारी जो अनुराधा रतौड़ी जी ने बहुत सुंदर किया और बहुत ही अच्छा संचालन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे पंडित संजू सहाय जी ने जो इतना सुंदर आपने बताया कि एक शिष्य को कैसे पहले बनना चाहिए, पहले अपने अंदर एक शिष्य का दायित्व क्या होता है, शिष्य कैसे बनते हैं, और बहुत सारे उन्होंने तबला सीखने से पहले क्या क्या चीजें एक शिष्य में होनी चाहिए। तो मैं अपने पंडित संजू गुरु जी को भी बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने समय दिया और बहुत अनमोल चीजें बनारस का खुल के उन्होंने बताया, तो मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और आप दीदी, आपके लिए तो बस मैं बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है, मैं यही चाहूंगी कि आपका जो यहाँ व्याख्यान हो और उससे हम लोग जो आपकी जो इतनी अनमोल निधि है उसको हम सभी विद्यार्थी प्राप्त करें, और साथ ही इस व्याख्यान माला में जो हमारे विद्यार्थी थे, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे अंकुर मिश्रा जी जो शोधार्थी है, उनकी प्रेरणा से ये जो सितार का इतना सुंदर हमारे अरविंद गुरु जी का हुआ, उनकी प्रेरणा थी कि आप मैडम उनको बुलाइए। तो मैं अंकुर जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और हमारे जो शोधार्थी हैं शारदा जी जो बहुत कुछ लगे हुए हैं, जितना आप ब्रोशर देख रहे हैं, हमारे सादा प्रसन्न दास जी का बहुत योगदान है, पीछे से वो लगे हुए हैं, और हमारे अभिषेक सोनी जी है, जितना लेटर वगैरह देना होता ऑफिस का काम था सब उन्होंने बीड़ा उठाया, साथ ही विनय जी भी लगे हुए थे इसमें बहुत सारे। तो ये सारे विद्यार्थी हैं, और साथ ही मैं एक और बताना चाहूंगी कि हम आशीष जायसवाल जी ने कुलगीत गाया, मैं आभारी हूँ। हमारे निर्मल जी ने भी सहयोग दिया, पवन जी, ये सब यहाँ के शोधार्थी हैं, बहुत ही आपका सपोर्ट रहा है कि बिना शोधार्थियों के मैं कोई काम नहीं कर पाती, तो मैं बहुत ही उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये सारा बीड़ा उठाया और अपने काम को बहुत कुछ किया है। और साथ ही मंगलाचरण जो आपने सुना है, हमारे पंडित पुंडलिक भागवत जी ने इतना सुंदर प्रारंभ किया, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे जो संकाय प्रमुख हैं, उनके बिना तो ये सारे कार्य अधूरे हैं, और सर जानते भी हैं कि मुझे आगे कर दिया है कि तुम कराओ, और पीछे से पूरा सपोर्ट उनका है। तो मैं ऐसे अपने आदरणीय प्रोफेसर राजेश सर का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, साथ ही हमारे जितने शिक्षक बंधु हैं, पीछे से उनका बहुत सपोर्ट रहा है, तो मैं उन सभी शिक्षक बंधुओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ। कहीं मेरे से कोई छूट रहे हैं तो मैं बहुत ही वो क्षमा चाहूंगी। और साथ में अनिल जी, निरंतर अनिल शर्मा जी लगे रहे हैं, और भी जितने विद्वत जन हमसे जुड़े रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। हर दिन 100 से ऊपर लोग विद्वत जन डायरेक्ट जुड़े थे, हजारों लोग तो यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं, तो मैं उनके प्रति भी नतमस्तक हूँ, और जो भी हो पा रहा है आपकी प्रेरणा से हुआ, तो मैं बारंबार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने विद्वत जन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी कुछ काबिल बन जाऊं, इस जीवन को सफल कर लूं, संगीत के जितने सेवक है उनकी सेवा करते करते अपना जीवन को कुछ पा जाऊं, कुछ सार्थक कर लूं। मेरी बड़ी इच्छा है कि जितने विद्वत जन है, मैं आपको दिल से बता रही हूँ, मुझे संगीत आए नहीं आए, लेकिन मैं मेरी इच्छा दिल से रहती कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो संगीतज्ञ है, मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, ये मेरी इच्छा है। तो मुझे आशीर्वादित करें कि मैं निरंतर अपने संगीत साधकों की सेवा कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और कहीं गलती हो तो मुझे क्षमा करें, मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैडम, और इसी के साथ आज हमारा यह 3-दिवसीय विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला यहीं पर समाप्त होता है।
आशा है हम जल्द ही पुनः साक्षात रूप से आप सभी विद्वजनों से मिल पाएंगे, आप सभी के ज्ञान को फिर से एक बार सुन पाएंगे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, एक चीज अंजलि रोकना चाहूंगी, सभी लोग सुन रहे हैं कि मेरे से एक चूक हो रही थी। ये देखिए, जो ज्यादा प्रिय होता है वो हमेशा मेरे से चूक हो जाती है, अक्सर मैं प्रेम किशोर जी का नाम लेना भूल जाती हूँ, और वो मेरे बहुत प्रिय हैं, वो यही आप सितार में जो है बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और मेरे साथी हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब से हमारा वेबिनार शुरू हुआ है, हमारी प्यारी अंजलि का बहुत सहयोग रहा है, शुरुआत भी उसी ने किया है, टेक्निकल सारी चीजों को हैंडल किया है, और आज अंत भी हमारी अंजलि से ही हो रहा है, इतना सुंदर संचालन किया। मेरी प्यारी अंजलि को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि वो बहुत आगे जाए और बहुत अच्छा सितार बजाए, और बहुत बड़ा योगदान हमारी अंजलि का रहा है, तो मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। बाबा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा भेज दिए हैं, सभी शिक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद भेजिए जी। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। आशा है हम सब पुनः जल्द ही मिलेंगे, और इसी के साथ आज आप सभी का आज्ञा लेते हुए विदा लेती हूँ। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।